तो मैं ये बोल रहा था बच्चे कि आपके पास ग्राउंड वाटर भी होगा और सरफेस वाटर भी होगा और उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना पड़ेगा वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा अब चाहे वाटर आपका ग्राउंड वाटर हो चाहे वो आपका सरफेस वाटर हो इसको हम बोलते हैं रॉ वाटर कच्चा पानी रॉ वाटर रॉ वाटर और इसको हम लोग क्या करेंगे प्योरीफाई करेंगे बाद में ठीक है प्योरीफाई करेंगे रॉ वाटर यहां तक कोई दिक्कत किसी को अब देखिएगा इन जनरल स्लाइड्स अभी आगे हैं फिलहाल थोड़ा सा समझा रहे ऐसे आपको तो इन जनरल जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होता है सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है स्क्रीनिंग सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारे पास होता है स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का मतलब है सीधे सीधे पानी को आप छान डालो पानी को क्या करना है छानना है ठीक है हाँ अनट्रीटेड वाटर भी आप लोग बोल सकते हैं ठीक है तो छानने का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई भी फ्लोटिंग मटेरियल है तो वो दूर हो जाए फ्लोटिंग याद रखिएगा फ्लोटिंग और सस्पेंडेड में फर्क होता है ठीक है फ्लोटिंग मेटल का साइज ज़्यादा होगा सस्पेंडेड का साइज उससे कम होगा ठीक है तो स्क्रीनिंग सबसे पहले किया जाता है उसके बाद एक प्रोसेस होता है एरेशन अब देखो मैं सारे प्रोसेस एक तरफ लाइन से लिख रहा हूं ये सारे प्रोसेस हम यूज़ करेंगे ही करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है एरेशन का सिंपल सा मतलब है क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ एयर क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ एयर तुमने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन जैसे खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक किसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है एयर के और एकदम से वहां पर क्या होने लगता है जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है वो गैस रिलीज होने लगती है तो इसी तरीके से ठीक है तो उसी तरीके से क्या होगा जब वॉटर यानी कि रॉ वॉटर जब एयर के कांटेक्ट में होगा तो दो बातें होंगी पहला कि जो एयर में जो ऑक्सीजन है एयर में जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का काम है, oxidation करना है ऑक्सीडेशन करना ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है जो अनस्टेबल कंपाउंड्स है जो क्या होते हैं अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेबल कंपाउंड्स में स्टेबल कंपाउंड्स में किसके थ्रू ऑक्सीडेशन के थ्रू समझ रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट किससे बनता है ज्यादातर घर में ऐसी चीजें होती हैं जो सड़ती गलती रहती हैं क्या रहती हैं सड़ने गलने वाली चीजों से कंपोस्ट बनता है प्लास्टिक से थोड़ा बनता है तो बेसिकली ये बायोकेमिकल वेस्ट होता है ठीक है ये बायोकेमिकल वेस्ट होता है जो डिग्रेड होता है ठीक है आप समझ रहे हैं तो अभी ये इनिशियली क्या होता है अनस्टेबल होता है तो इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं और इसमें आप देखोगे सल्फर की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होती है लेकिन जब ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है प्लस सिक्स होती है आपको ये सब याद नहीं करना है आपको ये सब याद नहीं करना है थोड़ा थोड़ा सा जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है यहाँ पर यूज़ नहीं होगा बट आइडिया क्या है कि जो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट जब हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहते जैसे हाइड्रोजन सल्फाइ सल्फाइड है एच तो ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें से फाउल स्मेल आती है अमोनिया की गंध तुम किसी सरकारी पब्लिक टॉयलेट में गए हो तो थोड़ा तो मालूम होता है अमोनिया की स्मेल कैसी होती है लेकिन नाइट्रेट जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है नाइट्रेट प्रॉब्लमेटिक नहीं तो ये कैसे होगा जब ऑक्सीडेशन होगा तब तो कुछ इंप्योरिटी ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या हो जाती है दूर हो जाती है पहली बात दूसरा अगर वाटर में किसी वजह से कोई टेस्ट या ऑर्डर है तो ये भी जो भी स्मेल वगैरह होती है पानी के अंदर ये पक्का किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड की वजह से है तो उसका केमिकल नेचर भी क्या हो जाता है दूर हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आके क्या एयर के कांटेक्ट में आके तो उसके लिए भी एरेशन किया जाता है एडिशन किया जाता है ठीक है क्लियर हो गया तो ये एरेशन होता है इसके बाद एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि ये सब हम लोग घर में करते हैं मान लीजिए आप आपने किसी हैंडपंप से कहीं पर गांव वगैरह में पानी भरा और वो पानी जो था वो गंदला था यानी कि टर्बिट था तो इसे क्या कर दिया था थोड़े समय तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पानी को ऐसे ही रख कर छोड़ देते हैं। तो समय के साथ क्या होता है पानी के अंदर जो भी किले पॉइड पार्टिकल पार्टिकल्स होंगे कोलाइड पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे तली में सेट होंगे सारे सेटल हो जाएं ये कोई जरूरी नहीं है बट काफ़ी सारे सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे ठीक है तो इससे कुछ इंप्यूरिटी जो है वो दूर हो जाती है फिर बाद में इसको अच्छे से पानी को निथार लिया जाता है ये तो हो गया डोमेस्टिक लेवल पर ठीक है डोमेस्टिक लेवल पर क्लियर है चलिए तो प्लेन सेडिमेंटेशन बट कई बार क्या होता है आपको जैसे बताया कि जो पार्टिकल आपके सेडिमेंटेशन में है वो तो सेटल हो जाएंगे बट जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होता पार्टिकल सेटल क्यों नहीं होता है क्योंकि इन पार्टिकल्स के ऊपर जनरली निगेटिव चार्ज होता है क्या होता है जनरली निगेटिव चार्ज होता है एक ये दूसरा पार्टिकल है इसके ऊपर भी क्या क्या है है चार्ज तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे हाँ जी निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे हवन हाँ करेंगे तो निगेटिव निगेटिव करेंगे रिपल्शन निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे रिपल्शन इनकी टेंडेंसी होगी एक दूसरे से दूर जाने की तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल ऐसे बहुत सारे पार्टिकल एक जगह पर होंगे तो लेकिन ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे और जब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो कभी भी क्या होंगे सेटल डाउन नहीं होंगे एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं है इनमें क्या लगता है रिपल्शन फोर्स लगता है तो ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे तो सेटल डाउन करने का तरीका क्या है उस वजह को निपटा दिया जाए उस वजह को निपटा दिया जाए जिससे एक दूसरे से दूर भागते हैं तो वजह क्या है इनके ऊपर का नेगेटिव चार्ज तो अगर मैं इनको पॉजिटिव चार्ज दे दूं अगर मैं इनको पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो वो पॉजिटिव क्या करेगा इस नेगेटिव को कर देगा न्यूट्रलाइज क्या कर देगा न्यूट्रलाइज ठीक है भैया अब इनका क्या हो गया चार्ज हो गया खत्म अब इनके एक दूसरे से दूर भागने की कोई वजह नहीं है तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे सेटल डाउन होने लग जाएंगे क्या हो जाएंगे सेटल डाउन होने लग जाएंगे और दूर हो जाएंगे इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को एक्ुलेशन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं को एग्यूलेशन बोलते हैं को एग्यूलेशन और को एग्यूलेशन के बाद में कई बार क्या होता है इन इस प्रोसेस में इनके बीच में कुछ नेट एट्रेक्टिव फोर्स जो किसकी वजह से होता है वेंड्रवेल फोर्सेस की वजह से वेंड्रवेल फोर्सेस ठीक है ये बहुत वीक एट्रेक्टिव फोर्स होता है ठीक है तो वेंडेवल फोर्सेस की वजह से अब ये पार्टिकल क्या करेंगे पास पास आने लगेंगे ये जब सारे पार्टिकल पास आ जाएंगे जब ये पार्टिकल क्या करेंगे पास आ जाएंगे मतलब और क्लोज आ जाएंगे देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस कॉल्ड फ्लॉक्युलेशन इनके फ्लॉक्स बन गए फ्लॉक्युलेशन ठीक है तो पहले स्क्रीनिंग उसके बाद एरेशन देन प्लेन सेडिमेंटेशन लेकिन अगर प्लेन सेडिमेंटेशन से काम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे कोएगुलेशन कोएगुलेशन से होगा फ्लैक फ्लॉक्युलेशन और फिर दोबारा इनका क्या करना पड़ेगा हमें सेडिमेंटेशन दोबारा से क्या करना पड़ेगा सेडिमेंटेशन अब सेडिमेंटेशन के थ्रू ये सब क्या हो जाएंगे बैठ जाएंगे ठीक है बैठ जाएंगे बिल्कुल फ्लॉक्यूलेशन तो सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे सेटल डाउन हो जाएंगे बट अभी भी एक काफी पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो अभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे वो कौन से होंगे इनसे भी काफी स्मॉल साइज वाले स्मॉल साइज वाले ठीक है स्मॉलर पार्टिकल्स ठीक है तो उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है फिल्टरेशन पानी को फिल्टर करना पड़ता है फिल्टरेशन ठीक है अब पानी को कैसे फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर के सरफेस पर देखो नहीं ऐसा कि भी हो करते कई तरीके के होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं बट जो पानी के अंदर जो कोलॉइड होते हैं नेचुरल फॉर्म में जनरली वो किले पार्टिकल्स की वजह से होता है और उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है ठीक है तो

और इसके ऊपर हमने क्या डाल दी कुछ सेंड इसमें क्या डाल दी हमने कुछ सेंड डाल दी और इसमें से हम लोग क्या करते हैं वाटर को पास करते हैं लेकिन अब ये फिल्टरेशन लगता सिंपल है बट प्रोसेस उतना सिंपल नहीं है यहां पर कई तरह के इन्वॉल्वमेंट होते हैं सबसे पहला तो होता है एक मैकेनिकल फिल्ट्रेशन <coughs> जैसे आप में से कोई कह सकता स्क्रीनिंग तो पहले भी करते थे यहां पर क्या हो गया तो एक तो क्या है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होती है मतलब जो सिंपल छानने वाला जो इफेक्ट होता है वो होता है बट इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है बैक्टीरिया की लेयर फॉर्म हो जाती है क्या हो जाती है एक बैक्टीरिया की लेयर फॉर्म हो जाती है आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीजों को जैसे अचार है तो अचार को क्या किया जाता है ऑयल में तेल में डुबो के रखा जाता है और या जो ये आपके जो चिप्स वगैरह मिलते हैं मार्केट में या बहुत सारी खाने पीने की चीजों को क्या रखा जाता है एयर टाइट डिब्बों में एयर टाइट तो एयर टाइट पैकेट्स में रखने से क्या होता है वो ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं उतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते क्यों क्योंकि एयर टाइट सिचुएशन में जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पर बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता तो बैक्टीरिया क्या करता है ऑर्गेनिक चीजों को सड़ाता गलाता है सबसे बढ़िया तरीका है ना आपको अगर ये हो कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं तो जो चीज़ जितनी जल्दी खराब होती है वो हेल्थ के लिए उतनी अच्छी होती है और जो चीज़ देर से खराब होती है वो नहीं खानी चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट सबको पसंद होती है बट आप चॉकलेट का एक टुकड़ा फेंक दो आप देखना पड़ा रहेगा ऐसे डिकम्पोज नहीं होगा तो वो चीज़ अब हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी तो डाइजेशन में दिक्कत करेगी आप समझ रहे हैं तो तो सेम चीज़ यहां पर भी होती है तो जब ये बैक्टीरिया यहां फॉर्म होता है सिमटजेक लेर आप लोग बाद में देखेंगे तो बैक्टीरिया क्या करता है कि पानी के अंदर कुछ भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनको क्या करेगा डीकम्पोज करेगा क्या करेगा डीकम्पोज करेगा और इस तरीके से पानी को साफ करने की साफ करेगा ठीक है भाई बिल्कुल चलिए हाँ जी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा यहां तक कोई समस्या किसी को अब क्या होता है कि फिल्ट्रेशन के द्वारा काफी जो बायोलॉजिकल कंटेंट वगैरह है वो भी दूर हो जाता है बट पैथोजेंस जो होते हैं पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं डिसीज कॉजिंग मॉलिक्यूल्स कह लीजिए ठीक है तो ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनसे क्या होता है डिसीज होती है बीमारियां होती हैं उनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं पैथोजेंस को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है डिस इनफेक्शनफेक्शन अब ये डिस इन्फेक्शन कई तरीके से हो सकता है लाल दवाई यानी कि के कैमेनोफोर से हो सकता है ये आपका ठीक है केमेनोफोर से हो सकता है क्लोरीन से हो सकता है ओजोनाइजेशन के थ्रू हो सकता है तो बहुत सारे ठीक है तो बहुत सारे इस तरीके के क्या हैं तरीके हैं जिनसे आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं ठीक है डिसइंफेक्शन। इसके अलावा कुछ माइनर चीजें भी होती हैं जैसे वाटर सॉफ्टनिंग वाटर सॉफ्टनिंग तो सॉफ्टनिंग क्या होता है हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज होता है किसके लिए होता है सर बैक्टीरिया के डिकम्पोज करता है या आउटसाइड डिकम्पोज करता है <laughs> बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल ये कुछ सवाल इस तरीके का था कि एक बार ना एक क्लास चल रही थी तो मैम ने बोला क्लास में कि बच्चों पानी ना उबाल कर पीना चाहिए जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं तो बच्चा कहता है सर कि मैम बैक्टीरिया तो मर जाएगा लेकिन उसकी डेड बॉडी तो पानी के अंदर ही रह जाएगी फिर क्या होगा अच्छा कोई बता सकता है आपने पानी को उबालकर बैक्टीरिया को मार दिया लेकिन बैक्टीरिया की डेड बॉडी तो वहीं रह गई फिर ये तो गड़बड़ हो गई हाँ भाई कोई बता सकता है ये क्या चक्कर है ठीक है तो सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग में क्या होगा वाटर को सॉफ्ट करोगे यानी कि उसकी हार्डनेस को क्या करोगे दूर करोगे इसी तरीके से क्या होता है डीफ्लोरिडेशन डी फ्लोरिडेशन अगर फ्लोरीन बहुत ज्यादा है तो उस फ्लोरीन को दूर करेंगे इसी तरह से डीफेराइजेशन होता है अगर आयरन ज्यादा है तो उसको दूर करेंगे ठीक है उसको दूर करेंगे तो याद रखिएगा बैक्टीरिया क्या करता है बैक्टीरिया किसी भी चीज को खाता नहीं है वो उसमें से क्या करता है ऑक्सीजन लेता है और जब ऑक्सीजन लेता है तो बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं

अगर आपके पास सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन हमने बहुत मिठाई खाई है दिवाली पर तो ये जो मिठाई होती है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ये आपका क्या है शुगर है बेसिकली तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनता है CO2 H2 टू प्लस एच टू तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ चली गई वाटर एयर में और पानी तो कहाँ मिल गया पानी में तो खत्म हो गया ना तो बेसिकली इस तरीके से इस तरीके से होता है एक सेकेंड वेट कीजिएगा आप जरा हाँ जी हो गया एक सेकेंड <laughs> हाँ तो बैक्टीरिया को तोड़कर स्मॉल साइज कर देते हैं बाकी हमारे एंजाइम्स अंदर संभाल ही लेंगे हाँ तो बेसिकली क्या होता है ठीक है तो बेसिकली क्या होता है कि काफी चीजें जो होती हैं काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो उड़ जाती हैं हवा में और मतलब ये बेसिकली क्या है कि जो हार्मफुल इनग्रेडियंट जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो स्मॉलर नॉन हार्मफुल कंपाउंड्स में ब्रेक कर जाते हैं ब्रेक कर जाते हैं ठीक है चलिए हाँ जी गुड इवनिंग तो ये भैया ये तरीका होता है आपका ये सारे के सारे प्रोसीजर हो गए तो इन जनरल इन्हीं को फॉलो करते हैं अब हम लोग प्रॉपर इसमें अब आगे बढ़ते हैं ठीक तो थोड़ा कभी कभी ये सवाल आ जाता है अच्छा एक तो कई बार ना जो मैंने आपको बताया है ना इस सीक्वेंस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हम लोग करेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है कौन सा प्रोसेस बाद में होता है इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अब सबसे पहला पॉइंट देखिएगा हम पढ़ रहे हैं कि प्लेन सेडिमेंटेशन इज सफिशियंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ठीक है प्लेन डिस इन्फेक्शन इज सफिशियंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज लेकिन किसके लिए जब वाटर आपका क्या होता है बिल्कुल मतलब जैसे ग्राउंड वाटर है फॉर एग्जाम्पल और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पानी हर तरीके से साफ है तब तब इसको हम हाँ करते हैं ठीक है तो अगर ये ग्राउंड वाटर के रेस्पेक्ट में है कि अगर आपके पास ग्राउंड रेस्पेक्ट ग्राउंड वाटर है ठीक है कि अगर आपका क्या है ग्राउंड वाटर है थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए कि ग्राउंड वाटर है और उसमें जो टर्बिडिटी है जो टर्बिडिटी है वो लेस देन है टेन एनटीयू से लेस देन है टेन एनटीयू से ठीक है देन इन दैट केस आप केवल अगर प्लेन सेडिमेंटेशन प्लेन डिसइंफेक्शन भी कर देंगे बार वो प्लेन सेडिमेंटेशन के साथ होता है ना जिसे नाम में आता प्लेन डिसइंफेक्शन भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सफिशियंट रहेगा ड्रिंकिंग पर्पज के लिए क्या रहेगा सफिशियंट रहेगा ठीक है हाँ. नाउ लेकिन अगर ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव आयरन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ऑर्डरस गैसेस हैं तो फिर केवल डिस से काम नहीं चलेगा इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एरेशन करना पड़ेगा एरेशन के बाद में फ्लॉक्युलेशन प्लस सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा और देन उसको हम लोग क्या कर देंगे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से पास कराकर डिसइंफेक्शन करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे सप्लाई कर देंगे फिर क्या कर देंगे सप्लाई क्लियर हो गया ठीक है नाउ इफ ग्राउंड वाटर कंटेंस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्डरस गैसेस देन एरेशन एंड डिस इन्फेक्शन केवल एरेशन कर दीजिएगा अरे वो अगर खाली फ्लॉक्यूलेशन लिखा है तो एग्युलेन साथ में को एग्युलेन फ्लॉक्युलेन एक ही बात है कंबाइंड प्रोसीजर होता है बिना को एग्युलेन के फ्लॉक्युलेशन नहीं हो सकता बिना फ्लॉक्युलेन के को एग्युलेन नहीं हो सकता ठीक है दोनों प्रोसेस एक ही बात है को एग्युलेन होगा तभी फ्लॉक्युलेशन नहीं होगा समझिए बालक ठीक है नाउ सरफेस वाटर विद टर्बिटरी लेस देन 50 एन है तब उसके लिए प्लेन सेडिमेंटेशन करेंगे स्लो सैन फिल्टर से पास करेंगे साथ में क्या कर देंगे डिस कर देंगे अगर हाईली पॉल्यूटेड सरफेस वाटर लेडन विद एलगा जैसे कई बार क्या होता है रिवर वाटर रिवर वाटर ठीक है तो इसमें कई बार बहुत ज्यादा क्या होता है कोई पॉल्यूशन है ठीक है पॉल्यूशन है या टर्बिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप क्या करोगे पहले प्री क्लोरिनेशन करोगे क्या करोगे प्री क्लोरिनेशन अभी हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे कि प्री क्लोरिनेशन से क्या क्या चीज़ें होती हैं ठीक है प्री क्लोरिनेशन उसके बाद में इसका हम लोग क्या कर देंगे एडिशन देन फ्लॉक्युलेशन ऑब्लिक कोएगुलेशन जैसा आप समझते ही हो उसके बाद में इसका सेडिमेंटेशन करेंगे ठीक है और याद रखिएगा जब हम लोग कोएगुलेशन प्लस सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसका स्लो सैंड फिल्टर ना यूज़ करके हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली डिसइनफेक्शन तो करना ही होगा अब याद रखिएगा क्लोरीनेशन हम लोग बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे डिसइनफेक्शन वाले में तो क्लोरीनेशन दो तरीके का एक वैसे कई तरह का होता है बट मेनली दो तरह का प्री एंड पोस्ट जो क्लोरीनेशन सबसे पहले किया जाता है उसको प्री क्लोरिनेशन और जो सबसे बाद में किया जाता है उसको पोस्ट क्लोरिनेशन तो ये क्या होता है एल्गल ग्रोथ वगैरह उस सबको भी रोकने के जो है वो काम आता है उसको भी रोकने के काम आपके आता है ठीक है प्री क्लोरिनेशन और बाद में जो बाद वाला जो क्लोरिनेशन होता है वो तो डिसइंफेक्शन के लिए है ही ठीक है ये हो गया चलिए अब वन बाई वन एक एक प्रोसीजर को समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है इस स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में क्या होता है इस तरीके से रॉड्स होती हैं ठीक है ठीके? इनको लगा दिया जाता है इनक्लाइन ठीक है तो क्लासिफाइड एज कोर्स एंड फाइन स्क्रीन ठीक है इन फॉर्म ऑफ बार्स स्पेस है ट्वेंटी टू हंड्रेड एम एम सेंटर टू सेंटर तो, तो दो से दस सेंटीमीटर हो जाएगा और इनका जो इंक्लिनेशन होता है वो थ्री टू सिक्स वर्टिकल इज टू वन हॉरिजेंटल होता है ऐसा करने से क्या हो जाता है कि जो ज्यादा एरिया एक्सपोज हो जाता है ठीक है और याद रखिएगा इनका काम केवल फ्लोटिंग मटेरियल को रोकना है जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक की बोतल लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े उन सबको रोकना ही इसका पर्पज होता है और कोई बड़ा पर्पज नहीं है ठीक है देन एक होता है माइक्रो स्ट्रेनर माइक्रो स्ट्रेनर का काम भी स्क्रीनिंग जैसा ही होता है खैर माइक्रो स्ट्रेनर तो माइक्रो माइक्रोस्ट्रेनर का काम भी क्या है वही छानने वाला ही टाइप काम है लेकिन वो यहां पर नहीं होगा इसको कहां पर यूज करते हैं जनरली रैपिड ग्रेविटी या स्लो स्लोसाइन फिल्टर के पहले यूज करते हैं ठीक है यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग स्टोर्ड वाटर जो रखा हुआ वाटर होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होते हैं कम अमाउंट में है तो वहां पर आप लोग माइक्रो स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं देन अब आए आपका प्री प्रीक्लोरिनेशन तो क्या प्री क्लोरिनेशन क्या है प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग क्लोरीन इनटू द दी रॉ वाटर स्टार्टिंग में दे देंगे फेयरली हाई डोज ऑफ क्लोरीन ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि कितना क्लोरीन की डोज देनी है तो दो से पांच एम जी पर लीटर यानी कि टू टू फाइव एम टू टू फाइव एम ठीक है हा फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्री ठीक है नाउ किल्स एल्गाई एंड बैक्टीरिया रिड्यूसेस कलर एंड स्लाइम स्लाइम फॉर्मेशन मतलब वो काई जम जाती है कीचड़ कीचड़ी जम जाती है वो स्लाइम हो जाएगा तो आपका जो ये प्री प्रीक्लोरिनेशन होगा वो एल्गल ग्रोथ को भी रोकेगा थोड़ा बहुत बैक्टीरिया होगा उसे भी मारेगा कलर वगैरह को रिड्यूस कर देगा स्लाइम फॉर्मेशन को ये सारे के सारे काम होते हैं प्री प्रीक्लोरिनेशन के ठीक है तो इससे क्या होता है जो आने वाली जो यूनिट्स हैं चाहे वो आपका सेडिमेंटेशन टैंक हो फिलटरेशन हो उन यूनिट्स पर लोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ठीक है इन केस ऑफ क्लियर ग्राउंड वाटर विद हाई अमोनिया कंटेंट इट इज इफेक्टिव ठीक है मोस्ट एडवांटेजेस वेद एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड क्लियर रॉ वाटर अब ये क्या चक्कर है कि एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है बट क्लियर रॉ वाटर है तो इसका मतलब क्या होता है पानी दिखने में आपका साफ है उसमें सस्पेंडेड मेटल वगैरह नहीं है बट उसके अंदर पैथोजन एक्सेट्रा है ठीक है पानी दिखने में तो आपका क्या है साफ है साफ दिख रहा है बट वो साफ है नहीं ठीक है तो इस केस में नेक्स्ट आपका एडेशन एडेशन क्या करता है पहले बता दिया आपको ये को करता है, जैसे phenols, acid, और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि आयरन और मैग्नीज को किस प्रोसेस के द्वारा रिमूव करते हैं तो याद रखिएगा एडिशन के थ्रू रिमूव करते हैं क्योंकि जो आयरन होता है वो फेरस यानी कि देखो दो फॉर्म होती हैं एफ प्लस को बोलते हैं फेरस और एफ प्लस को बोलते हैं फेरिक ये जो फेरस है ये वाटर सोल्यूबल है पानी में घुला हुआ रहता है जबकि ये जो एफ प्लस है ये इन होता है ये क्या कर जाता है प्रेसिपरेट कर जाता है आयरन हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में तो तली में बैठ जाएगा प्रेसिपरेट कैसा होता है जैसे मान लो ना आपके पास एक गिलास पानी है उसमें दो चम्मच दही डाल दो तो वो दही क्या होगा तली में बॉटम में बैठ जाएगा उस तरीके का तो ये जो आयरन है आपके पास फॉर्म में में ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाटर से जब रिएक्ट करेगा आपको बैलेंस रिएक्शन याद नहीं करनी है आपको बैलेंस रिएक्शन याद नहीं करनी केवल ये जानना है कि हाँ आयरन और मैगनीज दूर हो जाता है कैसे हो जाता है तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसी तरीके से जो मैगनीज होता है वो ऑक्सीजन और यहां भी आपका वाटर ही होगा ये एम में कन्वर्ट हो जाता है मैगनीज डाइऑक्साइड ये भी क्या हो जाता है प्रेसिप्रेड अब यहाँ पर जो सबसे अच्छा ये बताओ तुमसे कोई ये पूछ ले अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक वाटर सैंपल है और इसके अंदर आयरन और मैग्नीज़ हैं और हमने इसका एरेशन किया हमने इसका क्या किया एरेशन किया तो एरेशन के थ्रू इसकी पीएच जो होगी वो बढ़ेगी घटेगी क्या होगा पीएच का क्या होगा बता सकते हैं जल्दी से पीएच जो है वो बढ़ेगी घटेगी क्या होगी जल्दी बताइए पीएच डिक्रीज करेगी यानी कि एसिडिक नेचर क्या होगा बढ़ेगा बिल्कुल सही एसिडिक नेचर बढ़ेगा पीएच घटेगी क्यों घटेगी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास एच प्लस इन रिएक्शन में ये क्या है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अगर ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब पीएच जो है वो कम हो जाएगा और इसका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाएगा एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सिंपल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो एडिशन के बारे में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मालूम चलते हैं कि एडिशन से क्या होता है जो ऑड्रस गैसेज हैं या कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वो दूर हो जाते हैं दूसरा एफी आयरन और मैग्नीज़ ऑक्सीडाइज होकर दूर हो जाते हैं तीसरा पानी में एसिडिक नेचर आ जाता है ठीक है एसिडिक नेचर आ जाता है बुक में लिखा हुआ है एसिडिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ने का मतलब वही हो गया ना एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ठीक है पीएच घट रहा है तो एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ एरेशन एरेशन कई तरीके से हो सकता है जैसे पहला आपका है स्प्रे नोजल स्प्रे नोजल आप समझ जाओ स्प्रे नोजल क्या होगा वही जो नाई के दुकान में मिलेगा नाप्स तो में कन्वर्ट हो जाएगा के तो वाटर जब इस्मौल, इस्मौल में कन्वर्ट होगा तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा पानी के कॉन्टेक्ट में हो जाएगा और ये 90 परसेंट तक कार्बन डाइऑक्साइड और 99 परसेंट तक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिमूव कर देता है दूसरा होता है कैसा केसा के मतलब होता है स्टियर्स का ही दूसरा नाम होता है तो इस तरह से होगा यहां पर से क्या होता है जो वाटर है वाटर ग्रेविटी के थ्रू यहां से धीरे धीरे क्या होता है गिरता है इस तरीके से और जब यहां पर गिरेगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा ये ऑक्सीजन के या कहिए एयर के क्या आएगा कॉन्टेक्ट में आएगा लेकिन इसकी एफिशेंसी बहुत खराब है एफिशिएंसी जो है वो बहुत खराब है ठीक है तो इट रिमूव ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्टी फाइव परसेंट हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड हाँ आज आपकी सॉइल की क्लास भी होगी ये वाली क्लास आज ज्यादा लंबी नहीं चलेगी ठीक है आज छोटी ही रहेगी क्लास थोड़ी सी <laughs> अभी तो ठीक फील कर रहा हूँ क्लास के पहले ना थोड़ी ठंड सी लग गई थी तो थोड़ा सा हेडिक वैडिक सा हो रहा था बट अभी ठीक है अभी बढ़िया लग रहा है ठीक है तो ये कैसा केड हो गया नेक्स्ट होता है आपका डिफ्यूज एयर एडिटर डिफ्यूज एयर एडिटर में क्या होता है कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि यहां से एयर को एयर को क्या कर दिया जाता है वाटर में पास किया जाता है जब एयर वाटर में पास होगी तो एयर अपने बबल्स के साथ में क्या हो जाएगा जो भी इसके अंदर पानी के अंदर जो भी गैसेस वगैरह होंगी उनको क्या कर देगी बाहर निकाल देगी और इस पानी के अच्छे से क्या देगी जाएगी में आ जाएगी ठीक है मेरे को समय नहीं मिला इनके गूगल वगैरह से पिक डाउनलोड करने का लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो बट अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है नेक्स्ट होता है आपका ट्रिकलिंग बेड और ट्रे टावर ठीक है अब इसमें देखिएगा अभी तक हमने जो भी एडिशन किया है उसमें किसी भी एक्स्ट्रा केमिकल कंपाउंड को हमने यूज नहीं किया जबकि ट्रिकलिंग बेड और ट्रे टावर में क्या होता है एक्टिवेटेड कार्बन कह सकते हैं क्या? एक्टिवेटेड कार्बन। इसको यूज किया जाता है। ठीक है एक्टिवेटेड कार्बन कह दो या कोल कह दो एक्टिवेटेड कोल तो ये क्या करता है इसकी जो सरफेस होती है उन सरफेस पर फ्री वैलेंसी होती है इन फ्री बैलेंसी के थ्रू ये क्या करते हैं जो दूसरे केमिकल्स होते हैं या जो गैसेस होती है उनको अपनी सरफेस पर क्या कर लेता है एड्सॉर्व कर लेता है क्या कर लेता है एड्सॉर्ब तो एक्टिवेटेड कार्बन के कांटेक्ट में पानी को लाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ठीक है और ऑक्सीडेशन की हेल्प करने के लिए आप पोटेशियम परमैगनेट मिला सकते हो आपको मालूम होगा के एम एन ओ फोर पोटासियम परमैग्नेट एंड पोटासियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू सेवन दीज आर दी स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है तो इससे आपको ऑक्सीडेशन करने में हेल्प मिल सकती है ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है आयरन और मैग्नीज को हेल्प करने में मिक्स भी हेल्प करेगा ठीक है तो ये इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो हाईएस्ट होती है ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ये बहुत ही बढ़िया तरीका है तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट होता है बेटा एल्गल कंट्रोल कई बार क्या होता है कि पानी को काफ़ी समय तक हमें स्टोर करके रखना पड़ता है ऐसा नहीं होगा कि आज ही पानी आएगा और आज ही हम उसको क्या करेंगे साफ़ करके आगे भेजेंगे पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है जिससे क्या होता है उसके अंदर एल्गल ठीक है एल्गल कंट्रोल जो है वो बढ़ सकती है हाँ लाल दवा के ठीक है तो एल्गल कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है

बट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो तो है ही उसके साथ में आप केमेनोफोर भी यूज़ कर रहे हो और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक्टिवेटेड कार्बन भी यूज़ कर रहे हो तो वो उसमें और क्या करेंगे और एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे आपको और एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे ठीक है ना तो कॉपर सल्फेट आप यूज़ करते हैं इसकी जो डोज होगी वो टू पी या टू एम पर लीटर होगी या फिर क्लोरीन तीन से पाँच एम पर लीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है और ऐसे रैपिड सैंड फिल्टर जो विदाउट को चल रहे हैं वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है हाँ ड्यू गुड हाँ, यूट्रोफिकेशन सेम प्रोसेस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यूट्रोफिकेशन बोलेंगे यूट्रोफिकेशन बोलेंगे ठीक है देन आपका होता है प्री सेटलमेंट बेसिन प्री सेटलमेंट क्या होता है सेडिमेंटेशन से भी पहले के सेडिमेंटेशन मान लो वे आर वाटर रीचिंग मेन सेटलिंग सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन मोर देन थाउजेंड एम जी पर लीटर वाई वेट ठीक है अगर इतना तक कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आपको फिर प्री सेटलमेंट बेसिन जो है वो बनाने पड़ेंगे ठीक अब सेडिमेंटेशन हमें इसके आगे पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इसको पढ़ने से पहले जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है सबसे पहला सवाल आपका ये रहा आपके सामने एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर जल्दी जल्दी आप लोगों ने आंसर करना इन क्वेश्चन के फटाफट आंसर करते जाइए तो एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर डिस इन्फेक्शन रिमूविंग हार्डनेस एरेशन रिमूविंग ऑर्डर तो रिमूविंग ऑर्डर ठीक है अगला सवाल दॉल्यूटेड वाटर इज वन विच पॉल्यूटेड वाटर क्या होगा पॉल्यूटेड वाटर चल आप ही बताओ यार इसका आंसर ये सब्जेक्ट ना ऐसे होते हैं एनवायरमेंट सॉइल वगैरह कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ मिसिंग लगता ही लगता है ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है क्योंकि इतना कुछ याद करने को होता है ना हम हाल कुछ याद भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है ठीक है तो कंटेंस ओनली पैथोजन नहीं ऐसी बात नहीं है पैथोजन के अलावा और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं तो कंजेस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज मेकिंग इट अनफिट फॉर इट्स बेस्ट यूज दैट इज ड्रिंकिंग ठीक है पांच ऑप्शन है इसमें कैन बी यूज फॉर कॉन्क्रीट बेकिंग ठीक है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो आपका बी ही है सही कहा आप लोगों ने बिल्कुल सही बात अगला सवाल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर सेडिमेंटेशन इज डन सेडिमेंटेशन कब करते हैं बिफोर फिल्टरेशन आफ्टर फिल्टरेशन साइमल्टेनियसली विथ फिल्टरेशन अलॉन्ग विथ क्लोरिनेशन ठीक है तो आपको मालूम है सेडिमेंटेशन जो होता है वो फिल्टरेशन से पहले करते हैं अगला सवाल इन अ वाटर सप्लाई स्कीम फॉर वॉट पर्पज एडेशन इज कैरिड आउट एरेशन किसने करता है टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कोलाइडल मैटर फॉर किलिंग पैथनिक बैक्टीरिया फॉर को एगुलेशन तो आप जानते हैं एरेशन किसके लिए होता है रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर टेस्ट एंड ऑर्डर अगला सवाल द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो फिल्टरेशन क्लोरिनेशन सेडिमेंटेशन कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है इनको आपने क्या करना है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट इनकी करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों ने बतानी है तो पहले लिख लेंगे बाद में उधर मैच कर लेंगे ठीक है भैया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कोएगुलेशन करेंगे कोएगुलेशन के बाद में क्या होगा फ्लॉक्युलेशन होगा फ्लॉक्यूलेशन के बाद में क्या होगा सेडिमेंटेशन होगा सेडिमेंटेशन के बाद में क्या होगा फिल्ट्रेशन होगा और लास्ट में डिस इन्फेक्शन यानी कि क्लोरिनेशन होगा तो चार सौ तिरपन बारह चार सौ तिरपन बारह चार सौ तिरपन बारह यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो ये रहा आपका स्क्रीन के बाद एरेशन के बाद कोएगुलेशन देन फ्लॉक्युलेशन देन सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन देन डिस इन्फेक्शन देन सॉफ्टनिंग देन डीफ्लोरिडेशन ये सारे के सारे ठीक है अगला सवाल अ रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू अ टाउन इट्स वाटर इज वेरी टर्बिड एंड पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा टर्बिड है और पॉल्यूशन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग द रिवर वॉटर वुड बी तो एक हाईली टर्बिड एक हाईली टर्बिड पॉल्यूटेड रिवर है तो उसके प्योरिफिकेशन के लिए आप इनमें से कौन सी सीक्वेंस यूज करेंगे कौन सी सीक्वेंस यूज करेंगे जल्दी बताइए बड़े नालायक है तो अच्छा सवाल बनाया ऑप्शन भी जरा से ढंग से बना लेते हैं इसके अब बताओ प्री क्लोरिनेशन बाद में दे रखा है होगा क्या हुँ? यहाँ पर सेडिमेंटेशन के बाद में प्री क्लोरिनेशन को के बाद में फिल्टरेशन और फिर सेडिमेंट है है <laughs> ना इतने फर्जी ना कुछ थोड़ा सा तो कुछ बनाते हैं ऑप्शन यार अच्छे से ठीक है तो सबसे पहले वही प्री सेटलमेंट यानी कि प्री सेडिमेंटेशन थाउजेंड एम पर लीटर ज्यादा होने पर देन प्री क्लोरिनेशन उसके बाद को एगुलेशन फ्लॉक्युलेशन देन सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन उसके बाद में पोस्ट क्लोरिनेशन यानी कि डिस यानी कि डिस भैया हाईली पॉल्यूटेड है हाईली पॉल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पहले से ही है तो एल्गल कंट्रोल के अलावा ये पॉल्यूशन बैक्टीरिया वगैरह को भी ख़त्म करती है ठीक है एल्गल कंट्रोल के अलावा और भी चीज़ें हैं उनको भी ये इंप्रूव करती है अगला सवाल ये भी आपको ही करना है हाँ मतलब वही खाना पूर्ति हो रही है जी बताओ ऑप्शन बनाने की <laughs> आप लोग लाइव वॉचिंग बढ़ाते जाओ वो हमें डिसलाइक देते रहेंगे इसी में मजा है <laughs> दारू पी के बनाए ऑप्शन ठीक है हाँ जी इसका आंसर बताइए जल्दी से ज्यादा पॉल्यूशन ज्यादा बड़ा ऑप्शन ये भी सही है ये भी सही है भैया विच ऑफ प्रोसेस आर नेसेसरी इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए क्या को और फिलॉक्यूलेशन करना जरूरी होता है क्या को एग्युलेशन और फ्लॉक्युलेशन हमेशा किया जाता है ये बताइए याद रखिएगा मैंने बोला था कहीं पर ऑलवेज ऑलवेज नेवर नेसेसरी इस तरह के वर्ड हो तो वहां समझ जाइए थोड़ा ध्यान दीजिए ठीक है फ्लॉक्शन एंड कोएगुलेशन आर नॉट नेसेसरी नॉट ऑलवेज नेसेसरी कब यूज करते हैं जब आप रैपिड ग्रेविटी फिल्टर यूज करना होता है या कोलोइडल पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं तब आप इसको यूज करोगे हमेशा यूज नहीं करते हैं बहुत सी जगहों पर प्लेन सेडिमेंटेशन से हो जाता है ठीक है दूर सस्पेंडेड सॉलिड तो आंसर होगा इसका सी जहां आप सेडिमेंटेशन विद करोगे वहां आपका ऑल ऑफ दीज होता बट ऐसा कुछ बोला ही नहीं है बस उसने बोला है कि रिमूविंग सस्पेंडेड ठीक है जबकि बेसिकली और मैंने बताया कोलॉइड सस्पेंडेड के अंदर ही उसका एक होता है, तो के लिए करना पड़ता है ठीक है तो आंसर इज सेडिमेंटेशन अगला सवाल हालांकि अभी फिल्ट्रेशन बताया नहीं बट इसका आंसर मैं बता देता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ गुइनिया वर्म डिसीज ठीक है कोई कीड़ा वीड़ा से बीमारी होती है ये पेट के अंदर तो इसका जो सबसे सरल सस्ता और टिकाऊ उपाय होता है वो होता है फिल्टरेशन क्या उपाय होता है इसका फिल्टरेशन तो ये याद रख लीजिए बाकी जब फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट वहां पर यही लिखा होगा ठीक है यही लिखा होगा अगला सवाल रिमूवल ऑफ एक्सेस आयरन फ्रॉम पब्लिक वाटर सप्लाई यूजली डन बाई ठीक है तो आयरन और मैग्नीज किसके थ्रू दूर कर देंगे एरेशन के थ्रू एरेशन के थ्रू ठीक है लेकिन क्या होगा पीएच कम हो जाएगी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा <coughs> अगला सवाल विद वॉट सब्सटेंस वुड वाटर बी ट्रीटेड टू रिमूव एलगाई एलगाई को दूर करने के लिए क्या यूज करोगे कॉपर सल्फेट एलम ग्रीन सैंड पॉलीफॉस्फेट तो कॉपर सल्फेट या फिर क्लोरीन आंसर क्या होगा ए होगा अगला सवाल ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर कैन बी रिमूव फ्रॉम वॉटर वाइज एडेशन कोएगुलेशन एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन ठीक है इसका क्या आंसर होगा ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर वाई ए फॉर एरेशन ए फॉर एरेशन ए फॉर एरेशन भैया ये सवाल भी गुगली है आखिरी तक तो जाओ एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन ये एक्टिवेटेड कार्बन से नहीं होता था क्या एरेशन के साथ में एक्टिवेटेड कार्बन भी तो होता है लास्ट में सबसे ज्यादा तो इसी को यूज किया था तो आंसर क्या होगा एनी ऑफ दी अब आप कहोगे सर ये कोएगुलेशन कैसे बिकॉज बेटा कोएगुलेट एग्युलेट क्वेश्चन के थ्रू क्या हो जाएगा जो ये टेस्ट एंड ऑर्डर होगा वो इसमें प्रेजेंट कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस की वजह से होगा तो कोएगुलेट करके भी उनको दूर किया जा सकता है हालांकि उतना प्रॉमिसिंग नहीं है कोएगुलेशन बट क्योंकि एरेशन एंड एक्टिविटी कार्बन दोनों हैं तो हमें मजबूरी में कोएगुलेशन को भी साथ में रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा एनी ऑफ दी हाँ क्योंकि समय के बाद जोशी जी पुरानी चीजें लौटकर वापिस आती हैं ठीक है थीके? पुरानी चीजें लौट के वापिस आती हैं हालांकि ऐसा कुछ है नहीं आपने लगता क्लास देर से की लो ये आपका 21वीं सदी का आ गया अब खुश हो गए जोशी जी 21वीं सदी का आ गया बुक ये, ये जो बुक है ये पहली बार प्रिंट हुई है तो इसमें काफी सारी गलतियां भी है हाँ। <laughs> उसका अगला ऑप्शन देखना था ना बेटा इस वजह से और जा, देखो मैंने हमेशा आपको ये बोला है मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब आपको लगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है जब आपको लगे ऑप्शन ए करेक्ट है तब उस केस में आप बाकी ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ा करो ये बोलता हूं या नहीं पढ़ता हूं क्योंकि जनरली ए ऑप्शन इसमें रखा जाता है करेक्ट जहां कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी में उस पर टिक लगाते थे तो एरेशन दिखा बाकी ऑप्शन पढ़े भी नहीं टिक लगाया और आगे बढ़ गए ठीक है तो जब कभी भी ऐसा हो तो थोड़ा सा आगे हमें पढ़ लेना चाहिए ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल टू द टेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अब एक्टिवेटेड कार्बन ऑप्शन नंबर ए पर हमारी मजबूरी है कि आगे पढ़ लो लाइम फ्लोरिन क्लोरामाइन नहीं तो आंसर अब आप आपका एक्टिवेटेड कार्बन ही रहेगा कोई प्रॉब्लम यहाँ तो यही है ठीक है ना एडिशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव ऑर्डर कलर बैक्टीरिया टर्बिडिटी तो इसका मेन आंसर होगा ए हालांकि कुछ हद तक ये कलर कलर को भी यूज करने में हेल्प करता है बट मेन आंसर इज ऑर्डर क्योंकि ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा काफी चीजें दूर होंगी अगला सवाल लाइव वॉचिंग क्लोज टू हंड्रेड इसी के साथ जलने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है नॉट डिस आ चुके <laughs> कितना जलेंगे यार एग्जाम के दस दिन पहले भी ये बालक अबे पढ़ाई कर लो <laughs> ठीक है अगला सवाल अच्छा ये तो अब ये कर ही नहीं सकती आप सस्पेंस उसका आ गया आपका चलिए तो ये सवाल हो गया आपके समाप्त अब हम लोग क्या करते हैं वापसी पढ़ते हैं अब हम लोग सेडिमेंटेशन स्टार्ट करते हैं क्या स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन स्टार्ट किया जाए चलिए तो सेडिमेंटेशन तो टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स हम लोग सेडिमेंटेशन यूज करते हैं इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो प्लेन सेडिमेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन विद को एगुलेशन ठीक है ना सेडिमेंटेशन टैंक्स आर क्लासिफाइड एज क्वेश्चन टाइप यानी कि फिल एंड ड्रॉ टाइप एंड कॉन्टिन्यूस टाइप दो तरह के होते हैं तो एक होता है फिल एंड ड्रॉ टाइप तो इसलिए इसमें हमें क्या होता है तीन टैंक चाहिए होते हैं तीन टैंक तीन टैंक क्यों चाहिए होते हैं ये क्या होता है यहां से वाटर सप्लाई होता है यहां से वाटर की क्या चल रही होती है सप्लाई चल रही होती है ठीक है अब क्योंकि तो इस टैंक से पानी सप्लाई हो रहा है तो इसमें तो सेडिमेंटेशन हो नहीं सकता ठीक है इसमें तो सेडिमेंटेशन हो नहीं सकता है ना दूसरा इसमें क्या चल रहा होता है इस समय सेडिमेंटेशन हो रहा होता है इसमें क्या होता है सेडिमेंटेशन हो रहा होता है और इस वाले में क्या होता है वाटर भर रहा होता है ठीक है इनपुट तो एक टैंक खाली हो रहा होता है जिसमें ऑलरेडी पानी का सेडिमेंटेशन हो चुका है इसको हम लोग आगे सप्लाई में या आगे यूज कर रहे हैं एक टैंक में सेडिमेंटेशन चल रहा होता है ये ऑलरेडी भर चुका है और ये तीसरे वाले में क्या है अब पानी भरा जा रहा है तो जब ये वाला खाली हो जाएगा तो इसमें क्या होगा पानी भर भरने लगेंगे उस समय तक इसमें सेडिमेंटेशन हो चुका होगा इससे पानी ले लेंगे और इसमें सेडिमेंटेशन चल रहा होगा तो कम से कम कम से कम आपको इस तरीके से तीन टैंक यहां पर चाहिए होंगे तीन टैंक आपको चाहिए होंगे आगे बढ़ते हैं अभी जो क्वेश्चन टाइप टैंक होता है ये ओल्ड मैथोलॉजी होगी अब यूज नहीं करते जगह वगैरह बहुत ज्यादा होती है हाँ चार बार लाइक कर सकते हो घर में चार फोन होंगे तो सबसे कर दो क्या दिक्कत है किसने रोका है किसने रोका है तो क्वेश्चन टाइप टैंक डिटेंशन टाइम ट्वेंटी फोर आवर रहता है पीरियड ऑफ क्लीनिंग जो रहता है इसका आठ से बारह घंटे मिनिमम तीन नंबर ऑफ टैंक आपको चाहिए होंगे जो मैक्सिमम डेली फ्लो के लिए हम लोग इसको डिजाइन करते हैं जो क्योंकि एक दिन के लिए भर लेंगे ना इसको चौबीसों घंटे के रेट पर तो तो मैक्सिमम डेली के लिए डिजाइन करेंगे जो क्या होगा एवरेज डेली का 1.8 टाइम्स होगा 1.8 टाइम्स होगा ठीक है नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे कॉन्टिन्यूस तो मेनली हमें जो पढ़ना है वो कॉन्टिन्यूअस टाइप का टैंक पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस टाइप तो so, टाइप में सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है, वो होती है है वो आपके पास स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इन टू डी स्क्वायर अपॉन एटीन कहा्लीकेबल है रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन वन स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग और जो पार्टिकल का डायमीटर है इट शुड बी लेस देन पॉइंट टू एम है नाउ इट इज वैलिड फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सेटिंग इसको

पार्टिकल का डायमीटर क्या होना चाहिए लेस देन पॉइंट टू होना चाहिए और जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है ये आता कहां से कुछ नहीं कि मान लीजिए भाई ये वाटर है और इसके अंदर एक ये सॉलिड पार्टिकल था तो इस सॉलिड पार्टिकल का जो वेट होता है W वो नीचे की ओर लगता है इसको आप लिख सकते हैं फोर अपॉन पाई आर इसका वॉल्यूम इसकी डेंसिटी और इनटू और इस पर ऊपर की ओर बायोसी फोर्स लगेगा वो लगेगा आपके पास फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू इन रो डब्ल्यू इंटू जी अब स्टार्टिंग में क्या होता है स्टार्टिंग में क्या होता है इस वेट की वजह से इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी इस पर ऊपर की ओर लगने वाला एक फोर्स होता है ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स ठीक है हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर ड्रैग फोर्स तो ये ड्रैग फोर्स और बायोन्सी फोर्स मिलकर इस वेट को बैलेंस करते हैं और एक टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये नीचे की ओर सेटल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी ठीक है नाउ अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यहां से ठीक है तो हमने पढ़ना है हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक बिकॉज वर्टिकल फ्लो वाले भी टैंक होते हैं ठीक है तो हॉर्जेंटल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक तो देखिए हमारे पास एक ही सेडिमेंटेशन टैंक है बिल्कुल सिंपल सा इसका मैंने एक डायग्राम बनाया कि यहाँ पर ये यह इसका क्रॉस सेक्शन है ये हाइट एच हो गई और इसकी जो लेंथ है वो एल है और यहां पर ये आपको इस तरीके से दिख रहा है कि ये लेंथ एल हो गई अंदर की और जो विथ है वो बी हो गई और ये क्या हो गया एच हो गया ठीक है अब इस तरह से इधर से क्या आता है वाटर आता है जब वाटर आएगा तो किसी भी मोमेंट पर क्या होगा किसी भी मोमेंट पर थोड़ा सा, सा कलर चेंज किया जाए कि यहां पर ये कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल के पास क्या होगा दो तरह की वेलोसिटी होंगी एक तो फ्लो वेलोसिटी जिसकी वजह से आगे जाएगा और दूसरा क्या होगा सेटलिंग वेलोसिटी जिसकी वजह से नीचे जाएगा तो एक तरह से रिवर्स प्रोजेक्टाइल हो गया आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था कि पार्टिकल ऊपर भी जाता था और राइट इस तरह से आगे तो तो इस तरीके से जाता था सेम चीज यहां पर ये पार्टिकल फ्लो वेलोसिटी की वजह से आगे जाएगा और सेटलिंग वेलोसिटी की वजह से नीचे जाएगा तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी इस डायरेक्शन में होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी आप समझ रहे हैं तो जिस वजह से ये पार्टिकल इस वाले पाथ को क्या करेगा फॉलो करेगा इस पाथ को क्या करेगा फॉलो करेगा और ये टैंक का क्या हो गया बॉटम अब याद रखिएगा यहां पर हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल यहां बाहर निकलने से पहले अगर बॉटम को हिट कर गया तो ये दूर हो गया तो ये क्लीन हो जाएगा सेडिमेंट हो जाएगा या सेटल डाउन कर जाएगा लेकिन अगर ये पार्टिकल यहां ना पहुंचकर यहां पहुंचा तो ये पानी के साथ आगे चला जाएगा ये सेटल डाउन नहीं होगा ये सेटल डाउन नहीं होगा सर डिस्क्री सेटलिंग मतलब कि पार्टिकल अकेले के लिए हां इंडिविजुअल पार्टिकल है इंडिविजुअल पार्टिकल है वगैरह जो है वो नहीं हो रहा है।, है वो नहीं होना है ठीक है क्लियर हो गया ठीक है हाँ जिनको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है वो फुल स्क्रीन कर लीजिए ठीक है लैंडस्केप मोड में देखिए आप लोग आराम से सही है भैया तो ये हो गया अब मान लीजिए हमने क्या किया यहां से एक पर्टिकुलर पार्टिकल को छोड़ा है अच्छा एक बात और याद रखिएगा जब सेडिमेंटेशन होता है यानी कि जब पानी में टर्बिडिटी होती है तो वैसे इन जनरल ये होता है कि हल्के पार्टिकल ऊपर होते हैं और भारी पार्टिकल नीचे की तरफ होता है लेकिन यहां पर क्योंकि ये पानी फ्लो करके आ रहा है तो ये एज्यूम किया जाता है कि इस पूरे वॉल्यूम में इस पूरे वॉल्यूम में हर जगह छोटे बड़े पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब जितने बड़े पार्टिकल ऊपर हैं उतने ही बड़े पार्टिकल यहां नीचे हैं उतने ही बड़े पार्टिकल यहां बीच में जितने छोटे पार्टिकल ऊपर हैं उतने ही छोटे पार्टिकल बीच में हैं उतने ही छोटे पार्टिकल बॉटम में तो कॉन्सेंट्रेशन हर जगह क्या है एक जैसा है हा मीन्स की साइज इज रिजल्टेंट वेलोसिटी पर ही डिपेंड करेगी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है ठीक है चलिए ध्यान दे देगा यहां पर पहले कुछ टर्म समझते हैं कुछ टर्म समझते हैं ठीक है चलिए चलिए आपस में मत उलझिए आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले टर्म समझिए वेलोसिटी वॉट इज फिलो वेलोसिटी तो फिलो वेलोसिटी क्या है देखिए वॉटर लेफ्ट से राइट को जा रहा है तो हमें जो यहां पर फेज दिख रहा है वो हमें ये वाला फेज दिख रहा है

और यहां तक जाएगा यानी कि यह वाली लेंथ जो वो ट्रेबल करेगा लेंथ एल और वेलोसिटी कितनी है ये है वेलोसिटी ऑफ फिलो तो डिटेंशन टाइम आपका कितना आ कितनी है? Bh. Bh. और ये bh कहां जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा क्या आपके पास एल बी एच अपॉन क्यू एल बी एच अपॉन क्यू एल बी एच क्या है एल बी एच क्या है वॉल्यूम तो डिटेंशन टाइम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन क्यू क्या ठीक है जल्दी बताइए डिटेंशन टाइम समझ में आ गया वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिस्चार्ज से आपको क्या मिल जाता है डिटेंशन टाइम मिल जाता है डिटेंशन टाइम मिल जाता है, है. ठीक है ये आपका एक टाइम होगा दूसरा है टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट एच किसी हाइट एच से यानी कि यहां से नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा तो वो टाइम लगेगा एच अपॉन बी एस हाइट अपॉन सेटलिंग वेलासिटी हाइट अपॉन सेटलिंग वेलासिटी चलिए तो टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट एच गए टी बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन वीएस हो जाएगा एच अपॉन वीएस बात समझ आ गई अभी मुझे बताओ अगर यहां से ये जो पार्टिकल था ये पार्टिकल यहां पर था इस पार्टिकल को अगर प्रॉपरली रिमूव होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कंडीशन जो पीछे भैया यहीं से कंटिन्यू कर लो वो तो बाद में भी देख लोगे ये इंपॉर्टेंट चल रहा है ये इंपॉर्टेंट चल रहा है से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है सेडिमेंटेशन तो क्या कंडीशन होनी चाहिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है उतना ही टाइम इसे हाइट नीचे गिरने में लगना चाहिए यानी कि इस पॉइंट पर ये साइमल्टेनियसली पहुंचे इस पॉइंट पर ये टोटल लेंथ भी कवर कर चुका हो और टोटल हाइट भी कवर कर चुका हो तो ये दोनों टाइम को हम लोग क्या कर देंगे बराबर कर देंगे तो डिटेंशन टाइम को और फॉलिंग थ्रू टाइम को इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा बराबर बराबर लेकिन लेकिन ये सेटलिंग वेलोसिटी कहां से आएगी हाइट तो मालूम है तो सेटलिंग वेलोसिटी आपको स्टार्टिंग में बता दी ये स्टोक्स से निकलेगी गामा माइनस गामा डब्ल्यू डी 18 म्यू यहां से आप गामा कॉमन ले सकते हैं तो यहां बचेगा वन और गामा एस अपॉन गामा बन जाएगा जी तो जी माइनस वन स्क्र अपॉन एटीन म्यू अपॉन एटीन म्यू ठीक है अब इस ग्यू को अगर म्यू के अपॉन में ले जाऊं तो यहां पर फिर जी और आएगा यार जी माइनस वन स्मॉल जी क्योंकि डेंसिटी को ही तो ले जा सकते हैं केवल तो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में हो गया ये दोनों नहीं भी याद करो आप इसको रखो उससे बन जाएगा कभी अगर पूछेगा तो सर घर पे बोलते रहते हो कोई शांत कराने नहीं आता ठीक <laughs> है तो देखो यहां पर जो सेटलिंग वेलोसिटी है जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो बेटा किस पे डिपेंड कर रही है पार्टिकल के डायामीटर पर और पार्टिकल की डेंसिटी पर पानी की तो प्रॉपर्टी जो है वह वो है ही जो है वो है तो जितना बड़ा पार्टिकल उसकी सेटलिंग वेलोसिटी उतनी तो उतनी ज्यादा होगी तो जल्दी क्या कर जाएगा जाएगा सेटल डाउन कर हाँ, स्टोक्स लॉ तो तो है ही वो शुरू तो में ही बता दिया स्टोक्स लॉ तो बात है ही ठीक है नाउ इफ अ पार्टिकल ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी वी एस इज इंट्रोड्यूस्ड एट टॉप इट विल बी एज्यूम टू बी रिमूव्ड इफ इसका जो फॉलिंग थ्रू टाइम है वो डिटेंशन टाइम के बराबर हो जाए फॉलिंग थ्रू टाइम क्या है एच अपॉन वी एस जबकि डिटेंशन टाइम क्या था हमारे पास वॉल्यूम अपॉन क्यू यानी कि एल बी एच अपॉन क्यू अब देखिए आपसे पूछता ना एफिशिएंसी क्यों हाइट पे डिपेंड नहीं करती बिकॉज हाइट से हाइट क्या हो जाता है कैंसिल आउट कैंसिल आउट एच का कोई रोल ही नहीं रहता तो यहां से जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो है आपके पास क्यू अपॉन वी एल वी एल की कौन सा एरिया था तो देखिए इस टैंक में जो वी एल था वो ये वाला एरिया था ऊपर वाला ये वाला एरिया बी एल एरिया था तो हालांकि डिस्चार्ज जा रहा है इधर लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि मान लो वो डिस्चार्ज ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हो इस तरह से है ना तो इसको बोलते हैं ओवर रेट इसको क्या बोलते हैं ओवर रेट तो सेटलिंग एल इज इकोल फ्लो रेट सरफेसो रेट ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से हमने डायमीटर निकाल लिया तो इत, इस डायमीटर का पार्टिकल हंड्रेड परसेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा तो सोचिए इस पार्टिकल इस डायमीटर का पार्टिकल अगर सबसे ऊपर था अगर वो सेटल हो गया तो नीचे वाले तो सेटल हो ही जाएंगे ना आप समझिए अगर इस डायमीटर का पार्टिकल जो सबसे दूर था अगर वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो बाकी पार्टिकल तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे तो इस डायामी के सारे पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाएंगे और इससे बड़े साइज के जो पार्टिकल होंगे वो भी हंड्रेड परसेंट रिमूव हो जाएंगे ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई जल्दी बताइए ये बात समझ में आई अगर मुझे डिस्चार्ज मालूम है टैंक का साइज मालूम है तो ठीक है गामा डब्ल्यू मुझे मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे मालूम है विस्कोसिटी मुझे मालूम है यहां से डायामीटर निकाल सकता हूं इसको सेटल होने के लिए तली तक पहुंचना और सबसे ऊपर था कर, सबसे ऊपर वाला पार्टिकल तली में पहुंच गया तो इससे नीचे वाले तो इससे पहले पहुंच गए होंगे है ना इससे पहले पहुंच गए होंगे ठीक है तो ये वाले साइज के पार्टिकल 100 परसेंट सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे अच्छा इससे बड़े वाले पार्टिकल सर जब ये सेटल हो गया तो इससे बड़े वाले की तो सेटिंग वेलोसिटी इससे ज्यादा ही होगी तो वो भी सेटल हो जाएगा ये भी समझ में आ गया तो इससे छोटे वाले पार्टिकल का क्या होगा अगर डायामीटर, इस वाले डायामी से कम होगा तो पार्टिकल्स आर पार्टली रिमूव हंड्रेड परसेंट रिमूव नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे हंड्रेड परसेंट रिमूवेगा क्यों नहीं होंगे 100 इस बात को समझेगा. कि मान लीजिए जो पार्टिकल हंड्रेड परसेंट सेटल डाउन हो जा रहा है वो टेन एम एम का फॉर एग्जाम्पल क्या है टेनएमएम mm का और हमें डिस्कस करना है एट एम एम के पार्टिकल को तो हमने ये मानकर चले थे कि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हर जगह पर सेम है तो एक एट एम एम का पार्टिकल यहां पर भी है एक का mm का पार्टिकल पार्टिकल भी भी है एक 8 mm का पार्टिकल यहां भी है एक ये सारे पार्टिकल क्या है सेम साइज के ठीक है अब यहां से यहां तक जाने में मान लो फाइव मिनट्स लगते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव मिनट्स लगता है और इस पार्टिकल को नीचे ऊपर वाले पार्टिकल को यहां से यहां तक नीचे आने में कितना टाइम लगता है आठ मिनट लगता है तो इसको लगता है आठ मिनट इसको लगता है सात मिनट इसको लगता है छह मिनट इसको, इसको लगता है पांच मिनट इसको लगता है चार मिनट और इसको लगता है तीन मिनट तो ये जिस पार्टिकल को आठ मिनट लग रहा है नीचे जाने में तो वो क्या करेगा पांच मिनट में यहां से यहां पहुंच जाएगा नीचे नहीं जा पाएगा सेटल नहीं होगा ये सात मिनट जिसको यहां से क्योंकि भाई ये नीचे है ना तो इसको यहां तक जाने में कम टाइम लगेगा तो ये जितनी देर में यहां सेटल होगा सात मिनट लेगा उतने में तो पांच मिनट में ये बाहर आउट ये छह मिनट वाला भी जितने में यहां पहुंचेगा उतने में आउट ये पांच वाला क्या होगा एग्जैक्टली यहां हिट करेगा ये एग्जैक्टली कहां करेगा यहां हिट करेगा ठीक है ये वाला पार्टिकल क्या होगा ये पहले ही नीचे पहुंच चुका होगा क्यों क्योंकि यहां तक जाएगा पांच मिनट में उससे पहले चार मिनट में यहां सेटल हो चुका होगा ये वाला जो बिल्कुल बॉटम के क्लोज है ये यहां तक पहुंचेगा पांच मिनट में उससे पहले ही तीन मिनट में यहां पर हिट कर चुका होगा तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका टी ज्यादा है टी डी से वो सेटल नहीं होंगे लेकिन जिनका टी टी डी से कम है वो सेटल हो जाएंगे वो सेटल हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ठीक है यानी कि कुछ कम हाइट वाले जो पार्टिकल है वो सेटल हो जाएंगे ज्यादा हाइट वाले सेटल नहीं होंगे अगर पार्टिकल्स का साइज उस पार्टिकल के साइज से कम है जो हमने निकाला इस स्टोक्स से ठीक है चलिए तो परसेंटेज रिमूवल ऑफ दीज पार्टिकल क्या होता है तो मैंने आपको ये बोला था कि ये जो टैंक होगा हमारे पास इसको अगर मैं मिटा दूं ये टैंक है इस टैंक में हर जगह पर क्या है पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स है तो इस टैंक का टोटल वॉल्यूम क्या है एल बी एच तो मैंने मान लिया कि जो पार्टिकल्स का साइज है वो एल बी एच है ये टोटल हाइट कितनी है हमारे पास कैपिटल एच लेकिन जो पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं अब देखो अभी वो मिटा दिया यार मैंने लेकिन याद रखो जैसे मैंने बोला था ना कि आ, ये वो वाला पार्टिकल था जिसका टाइम पांच मिनट था तो इससे नीचे के सारे पार्टिकल तो क्या हो जा रहे थे सेटल हो जा रहे थे और इससे ऊपर वाले पार्टिकल क्या हो रहे थे सेटल नहीं हो रहे थे ऊपर वाले पार्टिकल सेटल नहीं हो रहे थे नीचे वाले सेटल हो जा रहे थे तो जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा जो पार्टिकल सेटल हो जा रहे हैं उनका वॉल्यूम होगा एल बी इन टू स्मॉल एच क्यों क्योंकि भैया ये लेंथ और ये विड्थ तो पूरे के लिए भी सेम है और जितने जोन में सेटलिंग हो जा रही है उसके लिए भी सेम है और टोटल कितना था ये टोटल था एल बी इन टू कैपिटल एच तो कितना फ्रैक्शन सेटल हो गया स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच और भैया यही तो एफिशिएंसी है इसी को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो एफिशिएंसी मिल गई ठीक है समझ में आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए ठीक है तो जो सेटलिंग एफिशिएंसी है वो किससे दी जाएगी स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच ठीक है लेकिन ये तभी सेटल होंगे जब जब इस वाले पार्टिकल का जो डिटेन जो टाइम है फ्लो थ्रू टाइम है याद है पांच मिनट वाला जो बाउंड्री थी वो पांच मिनट पर थी कि इधर जाने का टाइम भी पांच मिनट था और यहां से नीचे आने का टाइम भी पांच मिनट था तो ये तभी पॉसिबल है जब स्मॉल एच और जिस पार्टिकल की अभी बात हो रही है जो हंड्रेड परसेंट सेटल नहीं हो पा रहा है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी अगर बी एस डैस है तो इसका फॉलिंग थ्रू टाइम क्या होगा स्मॉल एच अपन वी एस डैस होगा

तो एफिशियंसी आ जाएगी स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इजिकल्स टू वी एस डेस अपॉन वी एस ये आपका एफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया ठीक है बताइए भैया सेडिमेंटेशन थ्योरी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई सेडिमेंटेशन थ्योरी समझ में आई या नहीं आई आज प्लेन सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला होता है सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन ओवरफ्लो वेलोसिटी ठीक है ओवर फ्लो वेलोसिटी यानी कि क्यू अपॉन वी सेटलिंग वेलोसिटी जी माइनस वन ग्यू डी स्वयं अपॉन एटीन एक बार बी एस वाला रिपीट कर दीजिए चलिए बिल्कुल रिपीट कर देंगे चलिए एक बार फिर से समझ, समझा दे रहे बेटा मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल मैं दोबारा फिर से जल्दी जल्दी बना देता हूँ मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि मान लो डिटेंशन टाइम जो है वो पाँच मिनट है डिटेंशन टाइम पाँच मिनट का आप कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल एंटर किया तो उसको यहां से सीधी लाइन में यहां तक जाने में कितना पाँच मिनट लगता है फाइव मिनट लगता है अब हमने एक एजम्पन लेकर चले थे कि हर तरह के पार्टिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हर जगह बराबर होगा तो मैंने ये बोला था कि ये वाला जो पार्टिकल है इसको ऊपर से नीचे बॉटम तक जाने में आठ मिनट का टाइम लगता है इस वाले को अपनी पोजीशन से कहां से ये बॉटम के ज्यादा पास है ना तो इसे नीचे जाने में क्या लगेगा क्योंकि इन सबका साइज सेम है इन सबका साइज क्या है सेम है तो इसको बॉटम तक जाने में कम टाइम लगेगा इसको और कम टाइम लगेगा इसको और कम टाइम लगेगा इसको और कम टाइम लगेगा, लगेगा इसको और कम और ये तो नालायक पहले से पहुंचा हुआ है तो सात मिनट छह मिनट पांच मिनट चार मिनट तीन मिनट और मान लो दो मिनट अब मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल सेटल होगा और कौन सा नहीं होगा क्या ये आठ मिनट वाला सेटल होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि जितनी देर में ये नीचे पहुंचेगा आठ मिनट में उतनी देर में ये टैंक से बाहर गेट आउट टैंक से बाहर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना तो दोबारा दोबारा देख लो दोबारा समझेगा ये वाला सेटल नहीं होगा क्या सात वाला सेटल होगा नहीं क्यों क्योंकि सात मिनट में ये यह यहां से नीचे पहुंचेगा उतने में गेट आउट क्योंकि टी डी पांच मिनट है छह मिनट वाला पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा क्योंकि छह मिनट में यहां पहुंचेगा उतने में गेट आउट पांच वाला पहुंच जाएगा हां सर बिल्कुल पहुंच जाएगा लेकिन पांच वाला कैसे पहुंचेगा इनको थोड़ा सा पहले साइड में खिसकाओ कैसे पहुंचेगा ये बिल्कुल यहां हिट करेगा ये वाला यहां तो ये पांच मिनट वाला क्यों सेटल हो गया क्योंकि इसका जो फ्लो थ्रू टाइम है इसको जो नीचे तक बॉटम तक पहुंचने में जो टाइम टी लग रहा है वो डिटेंशन टाइम के बराबर है वो डिटेंशन टाइम के बराबर है समझ गए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टी बराबर टी डी ठीक अब इस पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो ओवर फ्लो रेट के बराबर नहीं है क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी ओवर फ्लो रेट क्यू अपॉन बी एल के बराबर होती तो ये हंड्रेड परसेंट सेटल हो जाता तो ये क्या कर जाता 100% सेटल कर जाता बट इसकी वेलोसिटी ओवर फ्लो रेट के बराबर नहीं है तो कितनी है इसकी सेटलिंग वेलोसिटी है वी एस डेस कितनी है वी एस डेस वो कैसे निकली वो निकली जी माइनस वन गामा डब्ल्यू और इस वाले पार्टिकल का डायमीटर का स्क्वायर अपॉन एटीन म्यू तो इसकी सेटलिंग वेलोसिटी यहां से निकल जाएगी जब इसकी सेटलिंग वेलोसिटी निकल जाएगी तो इसका फ्लो थ्रू टाइम कितना होगा ये कितनी हाइट से मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी के चलेंगे स्मॉल एच ध्यान रखिएगा बेटा स्मॉल एच अगर ये इस हाइट वाला पार्टिकल अगर रिमूव हो गया तो इसके नीचे वाले तो रिमूव हो ही जाएंगे ना अगर इतनी हाइट वाला रिमूव हो गया तो इसके नीचे के तो सारे के सारे रिमूव हो ही जाएंगे तो यानी कि सारा का सारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये सारा का सारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा इससे ऊपर वाला रिमूव नहीं होगा तो कितना रिमूव हुआ रिमूव हुआ एल बी एच और था कितना तो खत्म किया तो एच अपॉन एच वाला ये एफिशिएंसी आ गई ठीक है पांच ही ऊपर वाले सेटल नहीं होंगे वो बाहर निकल जाएंगे पानी के साथ क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्लो है ना पानी आ रहा है और जा रहा है पानी आ रहा है और जा रहा है ठीक है तो टी बराबर डी टी टू डी टी करेंगे तो टी क्या है स्मॉल एच अपॉन वी एस डैस और टीडी क्या है इसको थोड़ा सा और सेटलिंग वेलोसिटी क्या है ये नथिंग बट Q अपॉन वीएल ओवर फ्लोरिड यहां से थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो h अपॉन h यही तो एफिशिएंसी है तो कैपिटल एच इधर आया तो वी एस डैस को उधर पहुंचा दो अपॉन बी एस इज टू वी एस डैस अपॉन ओवर फ्लो रेट दैट इज क्यू अपॉन बी एल इसका मतलब क्या हो जाएगा ईटा इजिकल्स टू वी एस डैश इन टू बी एल अपॉन क्यू तो हम क्या देख रहे हैं कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी कैपिटल जी तो बाद में इंक्रीज करेंगे हाँ वो भी कह सकते हो सेडिमेंटेशन के थ्रू सॉरी को एगुलेशन के थ्रू सीपीएस जी हाउ टू इंक्रीज जी ऑफ पार्टिकल इन रनिंग वाटर बेटा वो बाद में करेंगे को अगर इसके थ्रू नहीं हो पाएगा इसके नहीं थ्रू हो पाएगा तो कैपिटल जी बढ़ा देंगे उसका को के थ्रू पार्टिकल बड़े हो जाएंगे जब पार्टिकल बड़े हो जाएंगे तो हाँ जी नहीं डायमीटर बढ़ जाएगा और जी भी बढ़ेगा अभी आप देखोगे फ्लॉक्यूलेशन में टेम्पोरल मीन वेलोसिटी के थ्रू टेम्पोरल मीन वेलोसिटी के थ्रू डेंसिटी भी बढ़ाई जा सकती है और पार्टिकल का साइज भी बढ़ाया जा सकता है फिलहाल तो अभी हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो अभी किसी को डाउट है बेटा तो याद रखिएगा ओवर फ्लो रेट जितना ज्यादा होता है एफिशिएंसी उतनी कम होती है ओवर फ्लो रेट ठीक यान, है यानी कि Q अपॉन VL जित अब ये देखो इसको आप सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मत समझना क्योंकि काम कर रहा है ओवरफ्लो का रेट का तो ओवरफ्लो रेट जितना ज्यादा होता है एफिशियंसी उतनी कम होती है लेकिन सर्फेस एरिया जितना ज्यादा होता है एफिशियंसी उतनी ज्यादा होती है ठीक है भाई क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अब कई बार क्या होता है इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है शॉर्ट सर्किटिंग इन सेडिमेंटेशन टैंक ये क्या होता है तो द डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्लो ऑफ टैंक फ्रॉम द फ्लो पैटर्न ऑफ आइडल टैंक एक्चुअल में क्या होता है कि जो टॉप सरफेस होती है वहां पर विंड का इफेक्ट टर्बिडिटी का इफेक्ट बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जिससे पार्टिकल को हम जिस पाथ पर एज्यूम करते हैं वो उस पर नहीं चलता है तो वहां से डेविएशन उसका हो जाता है ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग ठीक है शॉर्ट सर्किटिंग लीजिए मैडम ने पूरा फॉर्मूला छाप दिया कैपिटल जी बराबर बी अपॉन समथिंग समथिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे ठीक है सर आपको सारे सब्जेक्ट इतने अच्छे से कैसे आते हैं हम लोगों को भी बता दीजिए भैया समय लगता है बहुत लंबा समय लगा है कम से कम छः साल 2014 से एटलीस्ट और धीरे धीरे पढ़कर सीखा है और आज भी सीख रहे हैं तुम देखते होगे कि मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे नहीं आती होती लेकिन मैं उन्हें सीखता हूँ जैसे अभी स्टार्टिंग में था वो स्क्रीनिंग वाला मुझे नहीं मालूम था एंगल ठीक है मुझे इंक्लिनिशन मालूम था मालूम भी होगा तो ध्यान नहीं रहोगा तो देख लेंगे यार उसको दोबारा से तो बस यही है कि आप पढ़ो आप पढ़ो और जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप सर्च करो अलग अलग सोर्सेज से उनको वर्कआउट करो लेकिन फिर उनमें टाइम लगता है ठीक है उसमें टाइम लगता है ठीक है बाकी थोड़ा सा है कि जो पुराने बेसिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के वो थोड़े से ठीक ठाक है तो चीजें चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाती हैं ठीक है चीजें थोड़ी समझ में आ जाती हैं है ना बस ये है। तो नाउ शॉर्ट सर्किटिंग इन सेडिमेंटेशन टैंक समझ में आ गया यहां से क्वेश्चन आता है आपका डिस्प्लेसमेंट एफिशियंसी पर डिस्प्लेसमेंट एफिशियंसी क्या होता है फ्लो थ्रू पीरियड फ्लो थ्रू पीरियड एक्चुअल टाइम नीडेड टू क्रॉस अपॉन थियोरिटिकल डिटेंशन टाइम ठीक है तो फ्लो थ्रू टाइम अपॉन थ्योरिटिकल डिटेंशन टाइम ठीक है इसका इसमें फॉर्मूले में जरा सा कंफ्यूजन कर रखा है आ, मैं इसको सिंपल सा कर देता हूं ये अननेसेसरी या तो यहां पर ओ आर ऑर लगा दो तो, यहां क्या लगा दो तो और इसको आप लिख सकते हैं फ्लो थ्रू टाइम और या ऑब्लिक ऑब्लिक एक्चुअल टाइम नीडेड टू क्रॉस मतलब पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जो एक्चुअल टाइम लगा टी एक्चुअल अपॉन जो थ्योरिटिकल डिटेंशन टाइम तुमने कैलकुलेट किया है इनका जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी बोलते हैं ठीक है, है। ठेके? अगर ये एफिशिएंसी ज्यादा है मतलब एक्चुअल टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एफिशिएंसी बढ़ बढ़ जाएगी क्योंकि टाइम गया तो पार्टिकल ज्यादा समय तक टैंक में है तो उसे बॉटम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम मिल जाएगा ऐसा कब होगा जब फ्लूड जा रहा है इधर और विंड फ्लो कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि इनका सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा होता है तो विंड अगर इस साइड में जा रही है ठीक है तो इस तरह से लेकिन अगर एक्चुअल टाइम कम लग रहा है और डिटेंशन टाइम थोरिटिकल वाला ज्यादा है तो एफिशियंसी डिक्रीज कर जाएगी ऐसा कब होगा जब वाटर भी इधर जा रहा है और विंड भी इधर फ्लो कर रही है तो पानी को ज्यादा तेजी से ले जाएगी ऐसा आप कह सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया कोई दिक्कत यहां तक चलिए नेक्स्ट होता है आपका ट्यूब सेटलर्स तो ट्यूब सेटर्स क्या होते हैं हमने अभी देखा कि जो एफिशिएंसी है वो हाइट पर डिपेंड नहीं करती है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है तो पूरे सेडिमेंटेशन टैंक को हम लोग क्या करते हैं कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और डेप्थ कम हो जाती है ठीक है चैम्बर्स में बना दिया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब सेटर तो डिवाइड द टैंक हाइट इन टू कंपार्टमेंट्स टू रिड्यूस द डेप्थ एंड टू प्रोवाइड मल्टीपल सर्फेस एरिया टू प्रोवाइड मल्टीपल सर्फेस एरिया ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका डेटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक भैया इसको तो आपने रटना ही पड़ेगा ऐसे तो नहीं रटोगे तो क्वेश्चन खूब सारे कर लेंगे उससे रट जाएगा सबसे पहला ओवरफ्लो रेट ये होता है पंद्रह हजार से तीस हजार लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे तक होता है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे इसका मतलब समझ लेना कि जैसे अगर आपके पास ये फोर बाई फोर मीटर का अगर ये टैंक है तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो ये आपका हो गया एक मीटर स्क्वायर तो इतने से एक मीटर स्क्वायर से पंद्रह हजार से तीस हजार लीटर एक दिन में पास हो रहा है तो टोटल से कितना होगा एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे किसके लिए लिए के लिए प्लेन सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन के के विद चालीस हजार लेकिन आप इसको याद मत करना कोई आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा तो दिया रहेगा एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा तो दिया रहेगा दूसरा डिटेंशन टाइम फॉर थ्री टू फोर आवर्स फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एंड टू 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 पॉइंट फाइव आवर्स फॉर सेडिमेंटेशन विद को एगुलेन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए आप कर लेना प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए आप कर लेना फोर टू एट आवर्स फोर टू एट आवर्स और सेडिमेंटेशन विद को एग्युलेन के लिए कर लेना सेडिमेंटेशन विद को एग्युलेन के लिए कर लेना टू टू फोर आवर्स टू टू फोर आवर्स ये रेंज रख लीजिएगा ठीक है ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है डिटेंशन टाइम जो है ये important है ये इंपॉर्टेंट इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं ठीक है अब देखिएगा डिटेंशन टाइम से आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा टैंक का वॉल्यूम मिल जाएगा फिलो वेलोसिटी जो रखी जाती है वो जनरली पॉइंट थ्री मीटर पर मिनट रखी जाती है ठीक है तो फिलो वेलोसिटी इन डिटेंशन टाइम से आपको क्या मिल जाएगा टैंक की लेंथ मिल जाएगी एक्चुअल में देखो डिजाइन का तरीका बता देता हूं डिजाइन का तरीका ये होता है कि डिटेंशन टाइम हमें मान हम लो मान लो हम लोग टैंक को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि डिटेंशन टाइम फाइव आवर्स है तो डिटेंशन टाइम आप लोगों ने पांच घंटे ले लिया पांच घंटा और हमें जितना पानी एक दिन में चाहिए तो पर डे मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए वो मुझे पहले से मालूम होगा डिटेंशन टाइम मैंने मालूम एज्यूम कर लिया तो मेरे को डिस्चार्ज आ गया या आप ये कह सकते हो कि डिस्चार्ज मुझे मालूम है तो उससे क्या हो जाएगा वॉल्यूम मालूम चल जाएगा फिर वेलोसिटी मालूम है डिटेंशन टाइम मालूम है तो उससे टैंक की लेंथ आ जाएगी लेंथ और विथ्थ का हम लोग एक रेशियो ले लेते हैं जैसे लेंथ जो होती है वो चौड़ाई की चार गुना रखी जाती है वैसे विथ्थ दस से बारह मीटर तक होती है तो लेंथ आप चौड़ाई की चार गुना रखोगे वो आपके पास आ जाएगा अब आपके पास टैंक का वॉल्यूम मालूम है लेंथ मालूम है विथ मालूम है तो उससे उसकी हाइट निकल कर आ जाएगी ठीक है हाइट निकल कर आ जाएगी और डेप्थ ऑफ टैंक जो है वो जनरली तीन से चार साढ़े चार मीटर इस तरीके से रखी जाती है हाँ ये डेटा अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहता है आई डेटा दिया हुआ है तीन से चार घंटा दो से ढाई घंटा बट मेडिजी में और मैंने एक दो जगह पर और देखा है तो वहां पर जो डेटा है ये वाला ज्यादा रिलायबल है ठीक है जो मैंने बाद में लिखवाया है ये वाला बाकी ये मुझे किसने मनीष सिंह बघेल ने भेजा था कल कोड कोड में एक बार और देख लेना कोड में एक बार और देख लेना ठीक है

कुछ वॉल्यूम इसमें एक्स्ट्रा रखते हैं ये होता है जीरो पॉइंट जीरो वन वन डी क्यूब जीरो पॉइंट वन वन डी क्यूब एक्स्ट्रा रखा जाता है तो वहां से डी स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहां से बचेगा पाई बाई फोर यानी कि पॉइंट सेवन एट फाइव एच और यहां से बच जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन वन डी क्यू इंटू टी डी आपका वॉल्यूम आ जाएगा ओवरफ्लो रेट हो जाएगा क्यू अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर डी स्क्वायर और वियर लोडिंग रेट होता है चारों तरफ से जो वाटर इसमें आएगा तो क्यू अपॉन पाई डी क्यू अपॉन पाई डी

ठीक है छोटे पार्टिकल्स प्लेन सेडिमेंटेशन में दूर नहीं होंगे ठीक है तो उनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे सेडिमेंटेशन विद को करेंगे क्या करेंगे हाँ वो पाई को हैस बना दिया कोई बात नहीं ठीक है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन फोर टू एट एंड टू टू फोर ये सही है एस पर कोर्ट बहुत बढ़िया ठीक है तो इसका मतलब इसी को रखेंगे ठीक है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन कई बार लोग ना अलग दिखने के चक्कर में गलत कर बैठते <laughs> तो वही चीज यहां पर हो रही है अलग दिखने के चक्कर में डेटा ही गलत कर दिया तो बस ऐसे इसी से डर लगता है यार इतना सारा डेटा होता है किस क्या कितना कितना डेटा वेरीफाई करोगे कहीं ना कहीं तो मानकर चलेगा चलना पड़ता है तो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो रहता है एनवायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में एनवायरमेंट बिल्डिंग मटेरियल ठीक है तो इनमें एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है कि या तो आप हर चीज़ पर बिल्कुल रिसर्च कर डालो जो कि पॉसिबल नहीं है तो किसी भी बुक को फॉलो करो किसी भी टीचर को फॉलो करो तो वहाँ पर दो चार परसेंट का एरर का जो है वो गुंजाइश रखो कि दस में से एक आध गलत हो जाए कोई बात नहीं बाकी आठ नौ तो सही रहेंगे ठीक है चलिए तो सेडिमेंटेशन विद को तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक सर्टेन डायामी से कम के पार्टिकल रिमूव नहीं हो पाते ठीक है और जो कोलोइड होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है जिसकी वजह से वो हमेशा क्या रहते हैं अनस्टेबलाइज रहते हैं हाँ मैं वो डेट मुझे कोड भेज दिया मनीष ने आज मैं वो कोड देखूंगा हो सकता है बल्कि उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह और अच्छा होता है और अच्छा कंटेंट मिल जाए ठीक है तो जो भी डेटा रिलायबल होगा उसको यहां पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे

देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है पार्टिकल अगर कोलाइडल में है सेटल डाउन नहीं हो रहा है इसका मतलब वो स्टेबल है है ठीक तो पार्टिकल को डी करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा उसके को खत्म करके दूसरा होता है एग्लोमेशन मतलब ये पार्टिकल पास पास फ्लॉक्स बना लेंगे इसमें एक टर्म होती है जीटा पोटेंशियल जीटा पोटेंशियल बेसिकली क्योंकि चार्ज होगा तो पोटेंशियल होगा तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है इनकी इनस्टेबिलिटी की एक मेजर होती है ठीक है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर उस तरीके की फॉर्म हो जाती है अब इस जीटा पोटेंशियल के लिए या इन पार्टिकल को डी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है अपोजिट नेचर का पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ता है उस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज करेंगे जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट ए एल टू एसओ फोर होल थ्राइस तो एल्यूमिनियम पर क्या होता है थ्री प्लस चार्ज होता है इसी तरह से मान लीजिए एफ ई टू एसओ फोर होल थ्राइज है आयरन पर क्या है प्लस थ्री चार्ज है या प्लस टू चार्ज है पॉजिटिव ठीक है तो ये ऐसे केमिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं जिससे पार्टिकल डी हो जाए वो बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं कोएग्युलेंट बोलते हैं कौन सा को बढ़िया रहेगा उसके लिए एक टेस्ट होता है जार टेस्ट इसको किया जाता है क्या होता है वो हमें नहीं मालूम है ठीक है बट नाम मालूम है कि जार टेस्ट किस लिए होता है तो को के लिए किया जाता है अब मैकेनिज्म और को क्या होता है तो सबसे पहला होता है आयनिक लेयर कंप्रेशन आयनिक लेयर कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल दूर दूर थे जो पार्टिकल दूर दूर थे किसकी वजह से निगेटिव चार्ज की वजह से तो जब इसमें कोएगुलेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मिला दिया जाता है तो वो इन्हें क्या करता है टक्कर मारता है यहां से ये कोलोइड आया कोएगुलेंट का मॉलिक्यूल आया इसने क्या किया इसको हिट किया इसी तरीके से और पार्टिकल होंगे वो इसको इधर से हिट करेगा तो मतलब इनसे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे पार्टिकल क्या होंगे कंप्रेस होंगे और इनको पास आना पड़ेगा ठीक है तो रिवॉल्शन ओवरकम हो जाएगा तो ये ये हो जाता है है आपका लेयर कंप्रेशन लेकिन ये उतना बढ़िया नहीं है, जो असली है वो ये है एड्जॉर्पन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ठीक है इनके चार्ज को ही खत्म कर दो इनके चार्ज को ही खत्म कर दो चार्ज खत्म होने के बाद ये बन जाएंगे न्यूट्रल अब आपको मालूम है न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे एयर में बात करूं ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन ये मॉलिकुल्स न्यूट्रल हैं बट फिर भी इनके बीच में एट्रेक्शन फोर्सेस लगते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते है? हैं वेंडर वेंडर फोर्सेस होता है तो न्यूट्रल होने के बाद अब इनके बीच में क्या लगने लगेगा लगे एट्रेक्शन फोर्स लगने लगेगा जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स के आने लगेंगे पास आने लगेंगे और को होने लगेगा नेक्स्ट होता है स्वीप को झाड़ू लगाना झाड़ू कैसे लगती है कि यहां पर ये बहुत सारे छोटे छोटे ये पार्टिकल्स थे जो दूर दूर थे अभी जो एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक जिलेटिनस जिलेटिनस पदार्थ है मतलब चिपचिपा तो इसकी क्या है एक लेयर सी बन जाती है ये क्या बन जाती है एक लेर सी बन जाती है ऊपर तो जब ये लेयर नीचे जाएगी तो अपने साथ क्या करेगी ये जो नीचे के पार्टिकल्स होंगे उनको भी नीचे की ओर लेते हुए जाएगी तो जब झाड़ू चलती है तो झाड़ू के आगे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही जब लेयर नीचे की ओर जाएगी तो इसके नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे उनको भी नीचे ले जाएगी ठीक है तो ये हो जाएगा स्वीप को रेगुलेशन और लास्ट होता है इंटर पार्टिकल ब्रीजिंग इंटर पार्टिकल ब्रीजिंग में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए ये बड़े बड़े पार्टिकल्स भी आपस में क्या कर लेते हैं बॉन्ड बना लेते हैं जिससे और बड़े मॉलिकल बनते हैं और वो फटाफट सेटल डाउन हो जाएंगे जैसे ही ए एल सेवन ओ एस सेवनटीन फोर प्लस तो यहां पर देख रहे हो ये कई सारे एल्यूमिनियम के पार्टिकल से मिलकर यह बना लिया ठीक है क्लियर हो गया हाँ, वेंड्स हाँ भैया आप लोग भी अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब चालू रखें 282 लाइक्स वर्सेस 14 डिसलाइक्स 300 तो करो इसको जल्दी से चले बाकी पता है वैसे कोई दुख नहीं है डिसलाइक करने को पचास कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बस मैं इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा था कि ऐसे स्टूडेंट जिनसे कोई मतलब नहीं जिनसे मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई जिनसे कभी कोई कुछ कहा सुनी हुई वो क्यों बॉन्ड बन रहे हैं आगे, आगे आगे आकर ये दिक्कत है है ना बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए एलम ठीक है सबसे पहले फिट फिटकरी यानी कि एलम तो ये है आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस .10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उन्हें बफरिंग तो नहीं हो रही है बफरिंग तो नहीं हो रही है सही चल रहा है मामला ठीक है अब देखिएगा Al2SO4 होल थ्राइस .18H2O इसमें क्या है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि थोड़ी सी एल्केलनटी होगी तो उसकी प्रेजेंस में ही क्या बनाएगा अगर कैल्शियम बाई है तो क्या करेगा ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिप्रेट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वाटर आएगा अब यहां से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सबसे पहली बात अगर इसमें कैल्शियम सल्फेट बन गया तो याद रखिएगा जो कैल्शियम था ये टेम्परिरी हार्डनेस था लेकिन जो कैल्शियम सल्फेट है वो परमानेंट हार्डनेस तो पहली प्रॉब्लम एलम की क्या है पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करती है क्या करती है परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करती है दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी ये सीओ टू वॉटर के साथ मिलकर क्या बनाएगी एस टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड जिससे पीएच जो है वो डिक्रीज होगी और पानी में एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ जाएगा एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा किसका एड्रेस देते हैं शुक्ला जी किसका एड्रेस देते हैं ये तो बताइए टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है बेटा बाकी एजू फॉर टैक या सिविल इंजीनियर बाई जितेंद्र सर्च करोगे तो मिल जाएगा सर इन रिएक्शंस को भी याद नहीं करना बिल्कुल नहीं इन रिएक्शंस को बिल्कुल भी याद करने की कोशिश ना करें ठीक है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है ये सारे स्टंट जो है वो प्रोफेशनल्स की देख रेख में किए जाते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे स्टंट ना करें कि इन केमिकल रिएक्शन को याद करने की कोशिश करें गर्म पानी एक्चुअली बाद में मंगाना पड़ता था पहले से ला के रख लिया आज हमने देखिए तो यहां पर आपने रिएक्शन याद नहीं रखनी है क्या याद रखना है उसको समझिएगा पहला एलम क्या होता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है दूसरा ये परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है इन दी फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट और इससे एसिडिक नेचर बढ़ जाता है बस इसके अलावा कुछ नहीं बस ठीक है चलो एल्यूमिनियम water water तो एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड ही बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड ही बनेगा ठीक है टर्बिडिटी क्यों बढ़ेगा भैया टर्बिडिटी को तो कम करने के लिए यूज कर रहे हैं ना टर्बिडिटी तो कम होगी इससेमेंटेशन तो कम होगी ना मालक बढ़ेगी थोड़ी ना नॉर्मल डोज जो होती है वो 10 से 30 एम पर लीटर ऑफ वाटर होती है ठीक है अब याद रखियेगा इसकी जो ये जो पीएच रेंज में वर्क करता वो था, है साढ़े छह से साढ़े मतलब स्लाइटली एलकेलाइन होना चाहिए स्लाइटली एलकेलाइन होना चाहिए ठीक सेफ है सेफ स्कोर चाहिए बता तो दिया साढ़े सात सौ में से छह सौ पिछहतर साढ़े सात सौ में से छह सौ पिछहत्तर ले आओ से ठीक है फिर यहां पर ध्यान रखिएगा वन ग्राम ऑफ एलम गिव्स जीरो पॉइंट टू थ्री फोर या लगभग लगभग जीरो पॉइंट टू फोर ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ये सिलस भी होता है इसको बोलते हैं सिलस इसको निकालना पड़ेगा ये तली में बैठ जाएगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं जी बेरोजगार सिविल इंजीनियर मैंने तुम्हें तो कहा था पहले तो आप ये बेरोजगार नाम से अपने आगे से हटाओ तुमने अभी तक ये नहीं हटाया पहले तो आप इसे हटाओ ठीक है पहले तो आप इसे बेरोजगार वर्ड को आगे हटाओ आगे से हटाओ ठीक <laughs> है चले अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे आता है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट आप जानते हो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और इनफैक्ट इस समय ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ये जो एलम है उसके एक मोल से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के दो मोल बन रहे हैं तो आप इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हो तो इसके एक्स ग्राम से इसके टू बाई ग्राम बनेंगे तो इसके एक ग्राम से कितना बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है तो अब हम एग्जाम में आपसे सवाल आ सकता है कि मान लीजिए हम 10 ग्राम एलम यूज कर रहे हैं तो कितना सिलस फॉर्म होगा तो एक ग्राम से कितना हो रहा है पॉइंट ग्राम तो 10 ग्राम से कितना होगा 2.4 ग्राम तो डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए इजी है डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए इजी है ठीक है हम हाँ भैया स्पैम करने की कोशिश ना करें नहीं तो यहां पर टीचर भी हमें और एडिटर भी हमें ठीक है तो ब्लॉग करने में देर नहीं लगेगी दो चार लाइव वाचिंग ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता चलिए दूसरा है एल्केशन रिलेशनशिप ठीक है मतलब तो पीएच थोड़ी सी कम है तो पीएच आपको क्या करना पड़ेगा साढ़े छह से साढ़े आठ की रेंज में लानी पड़ेगी तो फिर पानी के अंदर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम चूना या फिर सोडा एस यानी कि सोडियम कार्बोनेट एड करना पड़ेगा केमिकल एक्शन बस देख लीजिए समझने के लिए सेम रिएक्शन रहेंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में अगेन यहाँ से आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये अभी CO2 नहीं बनना है क्योंकि पहले से आपने एलग्निटी ऐड कर दिया ठीक है 666 ग्राम एलम 156 ग्राम पीपीटी है आप इसको डिवाइड करके देख लो वही आएगा वही आएगा ठीक है नाउ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से सोडियम सल्फेट बनेगा एल्यूमिनियम तो अब देखो यहां पर अब परमानेंट हार्डनेस नहीं आ रही है अगर मैं सोडियम कार्बोनेट मिलाता हूं तो परमानेंट हार्डनेस नहीं है क्योंकि सोडियम सल्फेट बनना है ना कि कैल्शियम सल्फेट लेकिन यहां पर पीएच वाली प्रॉब्लम है तो यहां परमानेंट हार्डनेस है तो एसिडिक नेचर की प्रॉब्लम नहीं है और सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं तो हार्डनेस नहीं है तो एसिडिक नेचर की प्रॉब्लम है ठीक है की प्रॉब्लम है ठीक है नेक्स्ट होता है आपका कोपरास नाम है लगता है इसमें कॉपर होगा कॉपर नहीं होता है ये मोहर मोहर आपके पास कैल्शियम सल्फेट प्लस एफ एच होल्ड ट्वाइस प्लस सेवन एच टू यहां पर भी अगेन क्या होगा आपके पास परमानेंट हार्डनेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में अगर कोपरास को पहले ऐड किया जाता है तब रिएक्शन कुछ डिफरेंट तरीके से होंगी जो कि रह गए कोई फर्क नहीं पड़ता रहने नेक्स्ट होता है आपका कोपरास कोपरास का मतलब होता है कि फेरस सल्फेट इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन यहां से आपका बनेगा फेरिक सल्फेट साथ में बनेगा फेरिक क्लोराइड और आपका बनेगा वाटर ये सब प्रेसिपरेट हो जाएगा ठीक है इट वर्क्स इन लार्ज पेचर मैं फिर कह रहा हूं ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए बस एक मन की संतुष्टि के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं ठीक है बाकी क्वेश्चन के थ्रू होगा ठीक है अब क्लोरीनेटेड कोपराज बस यही होता है कोपरास क्या होता है तो भैया फेरस सल्फेट होता है ठीक है बाकी इसमें भी सेम टाइप की रिएक्शन होगी सेम आपका कैल्शियम सल्फेट आ रहा है तो परमानेंट हेडनेस की जो है वो प्रॉब्लम होगी सोडियम एल्यूमिनेट ये भी आपका क्या रहेगा ये भी आपका एक कोएगुलेंट की तरह बिहेव करेगा इसकी जो पीएच रेंज है वो छह से साढ़े आठ है ये आपका एलम से कॉस्टियर है ये क्या करता है ये रिड्यूस करता है टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस को इसका अच्छी बात ये महंगा है लेकिन अच्छी बात ये है कि ये हार्डनेस को दूर करता है ठीक है हार्डनेस को दूर कर देता है ठीक है क्यों कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेंपरेरी हार्डनेस था कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट आपका क्या था परमानेंट हार्डनेस था इस सबको क्या कर देता है ये सेटल डाउन करा के कैल्शियम आयन को देखो कैल्शियम आयन क्या हो गया प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में रिमूव हो गया तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि तीन चार को देगा बोलेगा इनमें से किस में हार्डनेस की प्रॉब्लम नहीं होती तो सोडियम एल्यूमिनेट में हार्डनेस की प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन एलम में होती है एलम में होती है

है कोएग्युलेशन एड्स कोएग्युलेशन में हेल्प करने के लिए कुछ और कंपाउंड भी मिलाए जा सकते हैं जैसे फाइनली ये फाइनली नहीं फाइनली डिवाइडेड के लिए बेंटोनाइट्स एक्टिवेटेड कार्बन ये सब क्या करते हैं कोएग्युलेशन में हेल्प करते हैं हेल्प करते हैं ठीक है हाई टर्बिडिटी लो एलिग्रेनिटी ऑफ वाटर तो इसमें आपको क्या करना होता है कोएगुलेंट्स की लो डोज देनी पड़ती है अगर हाई टर्बिडिटी है और हाई है तो आपको एल्किए की हायर डोज देनी पड़ेगी इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन है कोई आपसे पूछने वाला नहीं है ठीक है अब देखिए इसके आगे क्या होता है कि कोएगुलेंट को पानी में मिलाकर पहले क्या करना पड़ता है अब यहां पर दो बिल्कुल एकदम अपोजिट नेचर के प्रोसेस होते हैं पहला क्या होता है कि कोएगुलेंट को मिला के पानी को अच्छे से मथा जाता है चला जाता है ताकि बढ़िया से क्या हो जाए मिक्सिंग हो जाए और उसके बाद में उसको क्या किया जाता है थोड़े समय के लिए बिल्कुल स्लोली छोड़ दिया जाता है ताकि फिर क्या बन जाए फ्लॉक्स बन जाए ठीक है बेरोजगार भाई साहब इधर उधर की बातें मत कीजिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप भी पढ़िए हमें भी पढ़ाने दीजिए कहीं की कोई बात मत कीजिए ठीक है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए तो यहां पर क्या होता है किस तरह से साफ्ट होती है इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं और इन ब्लेड से क्या होगा जब ये रोटेट करेगा तो पानी में क्या होगा एजिटेशन प्रोड्यूस्ड होगा जिससे कोएग्युलेट जो सेडिमेंट्स हैं या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके कांटेक्ट में आएगा क्योंकि भैया न्यूट्रल करने के लिए पार्टिकल्स को पॉजिटिव और निगेटिव को क्या होना पड़ेगा कांटेक्ट में आना पड़ेगा ठीक है कांटेक्ट में आना पड़ेगा तो इसके लिए यहां डिफाइन की जाती है टेम्पोरल वेलोसिटी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी जो होती है ये जस्ट लाइक like आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी कितना होती है जब ओमेगा होता है ना तो ओमेगा क्या होता है वी बस यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर वेलोसिटी की जगह रिलेटिव वेलोसिटी जाती है और बात है बात चंद प्रताप इंजीनियर कोई टाइपिंग थोड़ा ना करेगा टाइपिस्ट टाइप वाले टाइप तो वो होते हैं ना भैया हाई स्कूल ट्वेल्थ पास लोग तो सब टाइपिंग करनी है इंजीनियर बीटेक करके टाइपिंग जॉब करेगा क्या ठीक है सो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी तो यहां पर क्या होता है देखिए एक्स डिस्टेंस पर दो पार्टिकल है एक की वेलोसिटी वन है और दूसरी तो होगी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वो क्या होगी वी टू माइनस वी वन और डिस्टेंस क्या है इनके बीच की एक्स तो आप आपसे इसकी यूनिट पूछी जा सकती है तो फॉर्मूला सिंपल सा यार v वी बराबर आर ओमेगा ओमेगा कुछ नहीं है ये एंगुलर वेलोसिटी ही है लेकिन बस यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस तो ठीक है बट ये दो पार्टिकल के बीच यहां पर क्या रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे ली जाती है रिलेटिव वेलोसिटी ली जाती है ठीक है तो कैपिटल जी बराबर बी टू माइनस बी वन अपन एक्स हो गया ये किसका फंक्शन होता है तो ये पावर का वॉल्यूम का और विस्कोसिटी का फंक्शन होता है इस पर ये डिपेंड करता है ठीक है यूनिट ऑफ जी जो होती है वो पर सेकंड होती है ओमेगा की आपको मालूम है पर सेकंड होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में पी अपन म्यूवी अंडर रूट में p अपॉन म्यू v p जो है वो पावर है वॉट में म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी और v क्या है वॉल्यूम टैंक का फॉर्मूला याद रखने में कोई बुराई नहीं है पूछेगा तो हम कर लेंगे पूछेगा तो कर लेंगे ठीक है डिटेंशन टाइम केवल 30 से 60 सेकेंड होता है एक मिनट तक एजिटेशन होता है उसके बाद में उसे आगे भेज देते हैं जी इस कैप 300 पर सेकंड और मोर 300 पर सेकंड और मोर राजन कह रहे हैं सर वॉचिंग फ्रॉम रेवल्सर लेक मंडी हिमाचल क्या बात है यार आई मंडी है ना वहां पर बहुत ही खूबसूरत जगह है मैंने ऐसा सुना है गया तो नहीं हूं कभी मंडी में कोई क्रिकेट स्टेडियम भी बना था ना एक तो धर्मशाला में था मंडी में भी शायद को स्टेडियम बना था चलिए फ्लॉक्यूलेशन नाउ स्लो मिक्सिंग और एजिटेशन प्रोसेस इन विच डिस्टेबलाइज कोलोइडल पार्टिकल्स आर ब्रॉट इन टू इंटीमेट कॉन्टेक्ट ठीक है तो याद रखिएगा जी कैपिटल जी का रोल अलग है ये एजिटेशन करता है ठीक है जबकि डिटेंशन टाइम क्या करता है फ्लॉक्स को बनाने में हेल्प करता है ठीक है तो यहां पर देखिए एक नई टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग जी इंटू टी डी जी इंटू टी डी इट इज द मेजर ऑफ कॉन्जुकेशन अपॉर्चुनिटी कॉन्जुकेशन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि पार्टिकल्स क्लोज आकर बड़े फ्लॉक्स फॉर्म करें जी टी डी एडॉप्टेड फॉर एलम इज टू टू सिक्स इंटू टेन एस टूर फोर फॉर एफिस इट इट वैल्यू इज वन टू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन इंटर फाइव अब यहां पर ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला होता है कि अगर g की वैल्यू ज्यादा होती है ठीक है तो देखो ये जो g होता है ये डेंसिटी को अफेक्ट करेगा और जो डिटेंशन टाइम होगा वो फ्लॉक के साइज पर को को अफेक्ट करेगा तो लार्जर g g की वैल्यू ज्यादा होगी यानी कि टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लॉक आपके डेंस तो बनेंगे लेकिन आपने टाइम कम दिया है तो वो साइज में ग्रो नहीं कर पाएंगे ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक है ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उनका स्मॉलर रह जाएंगे अच्छा जी को अगर कम रहते हैं रखते हैं और डिटेंशन टाइम बढ़ाते हैं तो क्या होगा अब जो फ्लॉक्स है वो लाइट हल्के बनेंगे लेकिन क्योंकि टाइम आपने ज्यादा दिया है तो इसकी वजह से वो ग्रो करके लार्ज बन जाएंगे ठीक है लार्ज बन जाएंगे हालांकि फिर इसको जी को फिक्स नहीं रखा जाता है इसको इस तरीके से वेरी कराया जाता है इसको इस तरीके से वेरी कराया जाता है कि डेंस और लार्जर फ्लॉक्स बने डेंस और लार्जर फ्लॉक्स बने उसके लिए जी इनलेट और जी आउटलेट का जो रेशो होता है यहां पे दिया है या नहीं दिया है नहीं तो मेरे ख्याल से इस तो का रेशो होता है इनलेट और आउटलेट पर मैं एक, एक सेकंड में अभी इसको बता रहा हूं इनलेट और आउटलेट पर जो जी का रेशो होता है वो होता है आपका हम्म ठीक है टू होता है बिल्कुल सही तो जी इनलेट अपॉन जी आउटलेट इसका रेशियो होता है टू तो इनलेट पर जी की वैल्यू ज्यादा रखी जाती है ताकि डेंसिटी ज्यादा हो फिर धीरे धीरे क्या करते हैं जी की वैल्यू घटाते हैं ताकि फिर डेंस फ्लॉग बनाए फिर उसका साइज धीरे धीरे क्या होता जाए बढ़ता जाए ठीक है टू होता है तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है Killer हो गया ठीक है फ्लॉकेशन नाउ कैलकुलेशन ऑफ जी तो कैलकुलेशन ऑफ जी के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला आपके पास है नहीं तो क्या होगा यहां पर ये यह रोटर जो साफ्ट है वो किसी ओमेगा स्पीड से घूम रही है यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है और जो इसके रोटेशन पर ड्रैग फोर्स एफडी लग रहा है तो पावर क्या होगा एफ डी वी आर होगा ठीक है और रिलेटिव वेलोसिटी बी

तो आपको पावर मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी मालूम है ड्रैग फोर्स आ जाएगा तो जी की वैल्यू आपको मालूम है अभी हमने लिखी थी ठीक है ये रहा आपका फॉर्मूला जी बराबर अंड्रोड पी अपॉन म्यू वी पावर आपके पास है म्यू आपके पास है वी आपके पास है आ जाएगा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी मैडम अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही तो बताया था कैपिटल जी जो है वो मीन मीन वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल दो मीन वेलोसिटी बोल दो बात एक ही की है है ठीक डिजाइन क्राइटेरिया डेप्थ जो है 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 वो 305 मीटर से डिटेंशन टाइम 10 से 30 मिनट है याद रखिएगा पेरिफरल वेलोसिटी जो होती है वो पॉइंट से पॉइंट मीटर पर सेकेंड होती है जी टी डी टू कितना है वन लैख तक लिया जाता है ठीक है नेक्स्ट इसके आगे फिल्टरेशन जो कि हम करेंगे अगली क्लास में फिलहाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन इतना सारा डेटा है सारा आपने याद नहीं करना है मैं कहूंगा ऐसे चैप्टर्स के हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए तो जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि सवाल में पूछता है क्या है ये रहा आपका सवाल जल्दी से कीजिए जी की पर जल्दी से कीजिए भैया <laughs> विदुषी कह रही है सर आज पंद्रह डिसलाइक हुआ सॉल्व बेटा तुमने तो नहीं किया आते ही <laughs> सॉल्व हो गए कभी सॉल्वा तुमने ही किया हो आके। आ, कुछ स्टूडेंट फूड डालो और शासन करो वाली पॉलिसी पे काम कर रहे हैं बच्चे तो कर रहे हैं लेकिन बड़ों को तो समझ होनी चाहिए ना बच्चे कर रहे हैं करने थे लेकिन बड़े तो समझे तो इसका आंसर क्या होगा कुछ बोल रहे हैं ए कुछ बोल रहे हैं बी कुछ बोल रहे हैं सी अरे ये क्या चक्कर है ए बी सी डी भी बोल दो गेट डबल ठीक है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चालू रखिए तो देखिए भैया वेलोसिटी वेलोसिटी सेटलिंग क्या है स्मॉल जी कैपिटल जी माइनस वन डी स्क्ट न्यू ऐसे कर लीजिए भी कर सकते हैं जो मर्जी उससे आप कर लो जब जी की वैल्यू आप दो लोगे तो सेटलिंग वेलोसिटी कितनी है जी डी स्क्वायर अपॉन एटीन न्यू है जब जी की वैल्यू आप थ्री रखोगे तो थ्री माइनस वन क्या टू जी डी अपॉन स्क्वायर अपॉन न्यू जो क्या हो गया इस वैल्यू का टू टाइम्स हो गया तो सीधे सीधे आंसर क्या जाएगा? हो जाएगा आपका टू हो जाएगा ठीक है हेमंत जी कह रहे हैं सर वो कौन था जिसने ईएससी और एस एस के सारे क्वेश्चन रट लिए थे और उसने आपको फोन नंबर कृष्णा पाली होगा ये कृष्णा पाली होगा अगला सवाल एलम एज ए कोएगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन पीएच रेंज ऑफ वॉटर इज जी, क्या आंसर होगा तो आपको पता है साढ़े छह से साढ़े आठ तो उस रेंज में बढ़िया क्या है आपका छह से आठ यही आंसर होगा अगला सवाल ये बेचारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे जल्दी जल्दी कोएगुलेशन इज टू बी अडॉप्टेड व्हेन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सीड्स ठीक है चालीस पीपीएम पचास पीपीएम मेरे पास जो आंसर है वो चालीस है ठीक है फोर्टी पीपीएम लेकिन तुम सब यार 50 पीपीएम दे रहे हो सब बिल्कुल कॉन्फिडेंट है क्या 100 परसेंट ठीक है तो 40 पीपीएम अगला क्वेश्चन अगला सवाल विच को एगुलेंट इज कॉल्ड एलम एलम किसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम सल्फेट मैग्नीशियम कार्बोनेट क्लोरिनेटेड कोपरास तो आंसर क्या एल्यूमिनियम सल्फेट अगला सवाल सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम वॉटर सेटलेवल सॉलिड आर रिमूव बाई फिल्टरेशन सेटलेवल सॉलिड को फिल्टरेशन सर सेटलेवल है तो सेडिमेंटेशन ना कर देंगे तो वन तो नहीं होगा तो ये भी खत्म और ये भी खत्म वोटिलेटाइल सॉलिड आर रिमूव थ्रू सेडिमेंटेशन अच्छा जी डिजॉल्व सॉलिड्स आर रिमूव थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस कोलाइडल सॉलिड आ रिमोव बाई कोएग्युलेशन ठीक है तो थ्री कॉमा फोर तो एक में आ रहा है आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा बी अगला सवाल <coughs> <coughs> एक सेकेंड है अगला सवाल ड्यूरिंग वाटर प्यूरिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस द नेट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स एट पार्टिकल सर्फेस बाई एडिंग स्पेसिफिक केमिकल्स क्या बोलेंगे इसे कोएगुलेशन इसी का नाम है अगला सवाल द सेटलिंग वेलिसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 0.1 mm एम एम डायामीटर वर इज विद डायामीटर डी इन प्रपोर्शनल टू तो स्टोक्स लॉ लग जाएगा पॉइंट वन है तो पॉइंट टू से तो छोटा हो ही गया तो आंसर बी हो जाएगा आपका इसका है ना स्टोक्स लॉ अगला सवाल मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज लिमिटेड टू अभी पड़ा था तीन से चार मीटर तो आंसर बी हो जाएगा अगला सवाल ये भैया आप कीजिए इस क्वेश्चन को ये न्यूमेरिकल है सॉल्व कीजिए फॉर अ फ्लो ऑफ 5.7 मिलियन लीटर पर डे तो डिस्चार्ज आपको दे रखा है 5.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर सिक्स लीटर पर डे ओके एंड अ डिटेंशन टाइम टू आवर द सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक टू रिमूव ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ जीरो पॉइंट थ्री थ्री एम एम पर सेकेंड तो सेटलिंग वेलोसिटी आपको दे रखी जीरो पॉइंट थ्री थ्री मिलीमीटर पर सेकेंड बहुत बढ़िया आंसर भी आ गया वेरी गुड तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या था हमारे पास क्यू अपॉन सरफेस एरिया क्यू अपॉन सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ही तो पूछा भैया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं भी अब आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी आपको दी हुई है जीरो पॉइंट थ्री थ्री मिलीमीटर पर सेकेंड तो इसको आप क्या करो चेंज करो जीरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन एक्स टू पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड कर दें, velocity, okay. आपका क्या है? Into 10 6 है। तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि एक मीटर क्यूब में हजार लीटर होते हैं तो एक लीटर में टेन एक्स टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब होंगे अपॉन ये है क्या लीटर पर डे तो डे को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे ख्याल से छियासी हज़ार चार सौ डायरेक्ट हो जाता है ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्स छियासी हज़ार चार सौ जो है वो डायरेक्टली हो जाता है ठीक है ये आपके पास हो जाएगा क्यूब और अपॉन में क्या था यहाँ पर था एरिया तो यहाँ से अब एरिया आपके पास निकल जाएगा ठीक है एरिया आपका निकल जाएगा तो थोड़ा सा ये यूनिट वगैरह चेंज करनी होंगी या तो सबको मीटर में लेके आओ या सबको एम में लेके आओ तो यहाँ से आपका आंसर इस तरीके से कोई दिक्कत तो कितना आ रहा है आपका आंसर टू हंड्रेड मीटर स्क्वायर ये यूपीपीएससी में 2004 में आया था दोबारा भी आ सकता है दोबारा भी आ सकता है अगला सवाल और रेक्टेंगुलर टैंक पंद्रह मीटर गुना छह मीटर गुना तीन मीटर हैज टू ट्रीट टू मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे द डिटेंशन टाइम ऑफ टैंक शुड बी डिटेंशन टाइम निकाला और आवर्स में तो क्या हमें डिस्चार्ज दिया हुआ है क्यू बराबर टू मिलियन यानी कि टू इंटू टेन टू पावर सिक्स लीटर पर डे हमें वाटर दिया हुआ है ठीक है तो यार सिंपल सी बात है डिस्चार्ज बराबर क्या होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम ठीक है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज ठीक है वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास पंद्रह गुणा छः गुणा तीन डिस्चार्ज कितना है टू इंटू टेन एस टू पावर सिक्स लीटर लीटर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो टेन एस टू पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देना अब यहां से याद रखिएगा ये जो डिस्चार्ज है आपने पर डे में लिया है तो ये दिन में आएगा तो टाइम के लिए क्या करेंगे इसको ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या कर देंगे ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपका डिटेंशन टाइम आ जाएगा क्लियर हो गया अगला सवाल द एलम वेंट एडिड एज अ कोएगुलेंट इन वाटर डज नॉट रिक्वायर इन वाटर फॉर फ्लॉक्युलेन गलत बात है हमने कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट मिलाया था इसीलिए डज नॉट अफेक्ट पी एच वैल्यू ऑफ नहीं पी एच को अफेक्ट करती है इनक्रीजे पी एच वैल्यू नहीं डिक्रीजेज पीएच वैल्यू यस पी एच वैल्यू को क्या करती है कम करती है लास्ट वाला न्यूमेरिकल एक बार और बेटा इसमें क्या था डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज हो जाएगा अब वॉल्यूम क्या है आपका मीटर में पंद्रह मीटर गुना छह मीटर गुना तीन मीटर डिस्चार्ज तो मैं क्या दिया हुआ दो मिलियन लीटर तो टू इंटू टेन एस टू पावर सिक्स लीटर तो लीटर को पहले तो मीटर क्यूब में बदलोगे तो हजार से डिवाइड करना पड़ता है टेन एस टू माइनस थ्री से अब ये क्या था लीटर पर डे था तो ये जब डे ऊपर जाएगा और लीटर को बना दिया मीटर क्यूब में तो आपका जो टाइम आ गया वो डे में आ गया बट हमारे पास जो आंसर है वो आवर्स में है तो इस डे को क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है इसके बाद वाला या उसके पहले वाला चलो उतना पार्ट अब बाद में देख लेना उतना पार्ट बाद में दोबारा देख लेना बच्चे कोई बात नहीं टाइम नोट कर लो कितने टाइम पर है वो बाद में देख लेना अगला सवाल द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ वाटर टू पास बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट इज नोन एज किसी पार्टिकल को एंट्री से एग्जिट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं डिटेंशन टाइम बोलते हैं द शॉर्ट सर्किटिंग अकरिंग इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज रिप्रेजेंटेड बाई ठीक है तो द शॉर्ट सर्किटिंग आपको क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी एक्चुअल टाइम अपॉन थ्योरिटिकल डिटेंशन टाइम एक्चुअल टाइम अपॉन थ्योरिटिकल टाइम अरे शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती मतलब तुम्हें यहां से घूमकर जाना था यहां तुमने ये वाला रास्ता पकड़ लिया शॉर्टकट शॉर्टकट रेस होती है तो चीटिंग नहीं होती है रेस में रेस में क्या होता है इनको दौड़ना था इसका भाई आया बाइक पे बैठाया और ले गया उसको पहुंचा दिया तो जल्दी पहुंचा दिया तो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई पार्टिकल को तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेज इफ पार्टिकल साइज डिक्रीज गलत पार्टिकल साइज बढ़ना चाहिए ठीक है सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज क्या इस फॉर्मूले में सरफेस एरिया आता है नहीं द डेप्थ ऑफ टैंक इज डिक्रीज क्या इसमें आता है नहीं तो आंसर क्या होगा डी नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस भैया सेटलिंग टैंक सेटलिंग वेलोसिटी की बात हो रही है ओवरफ्लो ओवरफ्लो की वेलोसिटी की बात नहीं होती है ओवरफ्लो वेलोसिटी और सेटलिंग वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है ये एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है ये एक रियल क्वांटिटी है जो स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट होती है और ये क्या होती है g 1 गामा w d2 18 में होती है अभी ठीक हो गया टूटी फूटी से जिंदगानी ठीक हो गया बेटा एक बात बताओ मैंने आपको यह बताया कि सेटलिंग वेलोसिटी अलग चीज है और ओवरफ्लो रेट जो है वो अलग चीज है ओवरफ्लो रेट एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है याद रखिएगा ओवरफ्लो रेट जो है ये एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है क्यों क्योंकि अगर वेलोसिटी लेनी है तो डिस्चार्ज राइट right में हो रहा है तो डिस्चार्ज के परपेंडिकुलर वाला एरिया लिया जाता है ये जो एरिया है ये डिस्चार्ज के पैरल है तो ये हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है जबकि ये एक रियल क्वांटिटी है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रखा जाता है ठीक है तो अगर टैंक को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि उसका ओवरफ्लो रेट अगर इस सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के सॉरी सेटलिंग वेलोसिटी के बराबर हो गया तब इस साइज के पार्टिकल हंड्रेड परसेंट रिमूव हो जाएंगे बट मान लो ये ओवरफ्लो रेट इस सेटलिंग वेलोसिटी के बराबर नहीं है तो तो सेटलमेंट होगा नहीं होगा तो इन दोनों की वैल्यू केवल उस कंडीशन में बराबर होती है जब एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल हंड्रेड परसेंट सेटल डाउन होने होते हैं ठीक है तो दिस इज डिफरेंट दिस इज डिफरेंट तो जब सेटलिंग वेलोसिटी की बात करेगा तो आप ये फॉर्मूला से लॉसिन किसी पर्टिकुलर फ्लूड के लिए किसी पर्टिकुलर डायामीटर के लिए सेटलिंग वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है तो तो जो फ्लूड है जो फ्लूड है उसमें जो फ्लूड है उसमें कई तरह के पार्टिकल है ऐसे पार्टिकल जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट के बराबर होगी वो हंड्रेड परसेंट सेटल हो जाएंगे जिनकी इससे ज्यादा है वो भी सेटल हो जाएंगे जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट से कम है वो पार्शियली क्या होंगे पार्शियली रिमूव होंगे ठीक है तो इसमें ना तो पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी ये कह रहा है डिक्रीज नहीं है सरफेस एरिया इस फॉर्मूले में आता नहीं है हाइट इसमें आती नहीं है तो सेटलिंग वेलोसिटी का उनसे कोई लेना देना नहीं है क्लियर हो गया अगला सवाल द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ अ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट इज गवर्न बाई सेटलिंग वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी स्टोक्स लॉ पर एलम इज एडेड इन वाटर एज ए को एगुलेंट टू रिमूव गैसेज लाइक एच टू एस डिजॉल्व पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स नॉन ऑफ दिस आंसर क्या होगा कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एलम यूज करते हैं अगला सवाल इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स द सस्पेंडेड सॉलिड्स आर रिड्यूस फ्रॉम तो 40 से 70 परसेंट तक रिमूव हो जाते हैं 40 टू 70 परसेंट तक अगला सवाल सरफेस लोडिंग और ओवरफ्लो रेट ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक पासिंग अ डिस्चार्ज क्यू लेंथ एल डेप्थ डी विथ बी इज गिवन बाई तो क्या होगा क्यू अपॉन बी एल क्यू अपॉन बी एल अगला सवाल प्रॉपर स्लो मिक्सिंग इन द फ्लॉक्यूलेटर ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट द टेम्पोरल मीन वैलिसंट जी नीड्स टू बी ऑफ दर ऑफ कितना बताया था बीस से पिछहत्तर तो उस रेंज में क्या आएगा यही आएगा सी वाला आपका ट्वेंटी टू सेवेंटी बीस से सत्तर अगला सवाल अलरी फ्लॉक्यूलेटर इज ठीक है क्लेरी फ्लॉक्यूलेटर इज पांच पांच घंटे की क्लासेस छः छः घंटे और चार बजे से वहां ऐप पर भी तो क्लासेज होती unit, 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 तो क्या होता है को कम सेडिमेंटेशन यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं क्लैरी फिलॉक्यूलेटर बोलते हैं ठीक है अगला सवाल फॉर सेडिमेंटेशन विद को एग्युलेन द डिटेंशन पीरियड वेरीज फ्रॉम तो सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन के लिए दो से चार घंटे और प्लेन के लिए चार से आठ घंटे अगला सवाल द एफिशिएंसी ऑफ योर सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन डेप्थ ऑफ टैंक डिटेंशन टाइम लेंथ ऑफ द टैंक हॉर्जेंटल वेलोसिटी ऑफ वाटर तो डेप्थ ऑफ टैंक द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन तो कितना फोर बी

तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी द डिटेंशन पीरियड इन को इसका आंसर गलत है किताब में कोएगुलेशन टैंक का था 30 टू 45 मिनट हालांकि इससे भी कम था 15 से 20 30 मिनट था बट ये बेस्ट ऑप्शन है 30 से 45 मिनट ठीक है और जो मिक्सिंग टैंक था उसका उसका 30 से 30 सेकंड से 60 सेकंड तक था तो ये इसमें गलत दिया हुआ है दो से छह घंटे जो है वो गलत दिया हुआ है अगर कोई इस बुक से पढ़ रहा है तो करेक्शन कर लीजिएगा अगला सवाल द रॉ वाटर ऑफ अ टाउन फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई रिक्वायर टू ट्रीट थ्री पॉइंट सिक्स मीटर क्यूब पर मिनट तो डिस्चार्ज आपको दे रखा है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर क्यूब पर मिनट मिनट इतना डिस्चार्ज आपको दे रखा है फ्लॉकिस रखा है जीरो पॉइंट थ्री एम एम पर सेकेंड विल प्रोड्यूस सेटिस पार्टिकल रिमूवल इन सेटलिंग ऑफ एच दे रखा है आपको थ्री मीटर द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया रिक्वायर्ड सर्फेस एरिया ओवर फ्लो रेट बी एल तो क्यू ओपन तो तो से बिल्कुल हम लोग कर चुके हैं तो एरिया बराबर क्या ओपन बी बस यूनिट का आपने ध्यान रखना है तो फिर से मेरे से मेरे ख्याल वही सवाल है लो भैया कोई ये सवाल पूछ रहा था ना कि सर रिपीट कर दीजिए तो आंसर कितना टू हंड्रेड कितना साढ़े तीन सौ आ रहा है इनका आंसर दो सौ कैसे आ रहा है टाइम को चेंज कर लिया ना ये पर मिनट है इसको चेंज कर लिया ना मिनट को मिनट को चेंज कर लिया ना इस एम mm को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है अच्छा मुझे लगा वही वही वैसे ही सवाल है कोई बात नहीं एक ही चीज है हो गया ये टू हंड्रेड ही आ रहा है ना ये गलती हो सकती है ये हो मिनट को चेंज ना किया यूनिट का विशेष ध्यान रखना है अगला सवाल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स इन वॉटर फॉलो किसका नियम स्टोक्स लॉ जल्दी जल्दी करते हैं स्टोक्स लॉ दोबारा भी आना है अगला सवाल विच ऑफ दी बेस्ट कोएगुलेंट फॉर रिमूविंग कलर सबसे बढ़िया कोएगुलेंट जो होता है कलर के लिए वो याद रखिएगा होता है एलम एलम फिट करे सेडिमेंटेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस यूज फॉर रिमूवल ऑफ सेडिमेंटेशन एंड ग्रिट एंड सैंड सस्पेंडेड पैथोजेनिक अमोनिया। ग्रिट और सैंड तो बड़े पार्टिकल होते हैं वैसे भी सीवीएस में होता है तो आंसर क्या होगा बी सस्पेंडेड एलम एक्स एस ऑप्शन ए को एगुलेट को अगला सवाल सेटलिंग चेम्बर वॉट इज द मिनिमम डायमेंशन ऑफ पार्टिकल विच कैन बी कंप्लीटली रिमूव इफ रेट ऑफ ओवर फ्लो इज थर्टी मीटर क्यू पर डे पर मीटर इतना तो आपको बताया था भैया g माइनस वन ग्यू डी स्क्वायर अपॉन एटीन म्यू इज इक्वल्स टू क्या कर देना q अपॉन बी एल कर देना यहां से आपके पास डायमीटर रहेगा सारी वेलिटी वैल्यूज दी हुई हैं बस आपने केवल यूनिट का ध्यान रखना है बिकॉज ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में है ठीक है लेकिन जो ओवरफ्लो रेट है वो थर्टी मीटर क्यूब पर डे पर मीटर तो पर डे है तो इसको आपने रखना पड़ेगा थर्टी अपॉन एट सिक्स फोर डबल जीरो पर सेकेंड राइट साइड में ठीक है और लेफ्ट साइड में तो कोई बात मालूम ही नहीं है टू पॉइंट सिक्स फाइव है तो वन पॉइंट सिक्स फाइव हो जाएगा गामा डब्ल्यू थाउजेंड रख दोगे और म्यू की वैल्यू आपको दे ही रखी है वैल्यूज पुट करेंगे आ जाएगा आंसर वैल्यूज पुट, वैल पुट करेंगे आंसर आ जाएगा तो 2.6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1.65 गामा कितना हो गया ठीक है एट सिक्स फोर डबल जीरो अब इसको आपने सॉल्व करना है ठीक है इसको सॉल्व करना हाँ. कैलकुलेशन तो भैया करनी पड़ेगी बिना बीनर्स के तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूँ तुक्का मारने का तरीका फिर भी ये है कि हम लोग स्टोक लॉ लगा रहे हैं तो पॉइंट टू से नहीं पॉइंट टू से तो छोटी है नहीं होगा रेंट दम उससे नहीं लगेगा वैसे ही आएगा कैलकुलेटर ही कर लो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम आ रहा होगा पॉइंट जीरो जीरो टू ठीक है तो भैया आज के सवाल हो गए ख़त्म आपका फिलहाल यही है अब हम मिलेंगे रात में ग्यारह बजे खाना वाना खाइए ग्यारह बजे मिलते हैं ग्यारह बजे मिलते हैं आंसर टू हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो टू ही है बता तो दिया